हेलो बच्चों कैसे हो सब सीएलसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम तो इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स पंच सीरीज के पंच नंबर 18 जिसमें टॉपिक कवर किया है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वेव ऑप्टिक्स इसको हम डिस्कस करने वाले हैं ओके okay? मेरा नाम है अंजनी कुमार उत्तम चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है ए टू स्लिट यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट

और इसमें जो कॉन्सेप्ट जो छुपे हुए हैं उन कॉन्सेप्ट को अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले बात आती है वाई डी ठीक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाई डी एस सी में आ, दो स्लिट बेसिकली अपन कंसीडर करते हैं ठीक है स्लिट नंबर या जो भी है स्लिट एस वन एंड स्लिट एस टू और इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम स्लिट सेपरेशन डी से रिप्रेजेंट करते हैं इन दोनों स्लिट के आगे फ्रंट में स्क्रीन है कैपिटल डी डिस्टेंस पर ठीक है और सोर्स यहां पे प्लेस्ड है राइट right? सोर्स से लाइट जो है या जो वेव है वो वेव इन इस इन दोनों स्लिट के ऊपर इंसिडेंट होगी एंड देन फर्दर इन दोनों स्लिट से वेव इमिनेट होंगी ठीक है वेवलेट्स निकलेंगी वेव्स निकलेंगी और उन दोनों वेव्स के बीच में सुपर पोजिशन होगा एंड देन सामने स्क्रीन पर हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न दिखाई देगा ठीक है तो इंटरफ्रेंस पैटर्न जो है सामने जैसे एस से एक वेव मैंने इस तरफ कंसीडर की एक वेव मैंने इस तरफ कंसीडर की सामने स्क्रीन पर कोई पॉइंट कंसीडर किया पी पॉइंट और पी पॉइंट पर हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा पी पॉइंट की स्क्रीन का जो सेंटर है ओ ओ से डिस्टेंस हमने वाई कंसिडर कर ली ठीक है तो ये दोनों जो एस और एस से जो वेव या जो रे मैंने ड्रॉ की है इनके बीच में पाथ डिफरेंस ठीक है अगर मैं P पॉइंट की एंगुलर पोजीशन को थीटा से रिप्रेजेंट करूं ठीक है एंगुलर पोजीशन क्या होता है दोनों स्लिट के आ, बीच वाला जो मिड पॉइंट होता है ना मिड पॉइंट से आपको लाइन ड्रॉ करनी है और ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम एंगुलर पोजिशन बोलते हैं बेटा सो हियर थीटा इज द एंगुलर पोजिशन एंड द स्लिट सेपरेशन इज डी देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन एस टू पी एंड एस वन पी इज अ डी साइन थीटा राइट

डिस्ट्रक्टिव uh, इंटरफेरेंस बोले तो मिनिमा, बोले तो डार्क फ्रिंज राइट एंड कंस्ट्रक्टिव मतलब के लिए है तो यहां से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी डी को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए एन लेमडा डी बाय स्मॉल डी एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाई की वैल्यू आ जाएगी टू एन माइनस वन लेमडा कैपिटल डी बाय टू स्मॉल डी राइट तो ये एक सिंपल पैटर्न है ठीक है और इसकी हेल्प से अपन मैक्सिमा या मिनिमा की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी पोजिशन को बता सकते हैं कहां से ओ से सेंटर पॉइंट से करेक्ट तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लेकिन अगर आप किसी एक स्लिट के आगे एक ट्रांसपेरेंट स्लैब रख दें तो क्या होगा है ना तो क्या होगा तो उस पार्ट को मैं यहां पर आपको क्लियर करूं ठीक है ध्यान से देखिएगा अगर मैं एक स्लिट के आगे एक स्लैब एक ट्रांसपेरेंट स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दूं इसका थिकनेस जो है वो टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ठीक है तो एस वन ये हो गया ये एस टू हो गया एस ये सोर्स है एस से वेव इस तरफ भी आएगी और इस तरफ भी आएगी है ना ठीक है देन यहां से तो ये वैक्यूम है आगे तो एस टू से वेव पास हुई और एस वन से जो वेव पास होगी या जो रे पास होगी ये इस स्लैब को क्रॉस करते हुए आगे जाएगी

एडिशनल पाथ डिफरेंस आपको करना क्या है इसके अंदर मैं शॉर्ट में बताऊं तो स्लैब अगर जिस किसी स्लिट के आगे रखा हुआ है है ना तो उसके कारण एडिशनल पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाता है और वो पाथ डिफरेंस होता है म्यू इज द थिकनेस ऑफ स्लैब म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटीरियल ऑफ स्लैब बस खत्म तो म्यू माइनस वन इंटू टी एडिशनल पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाता है आपको करना क्या है जिस स्लिट के आगे ये स्लैब रखा है ना तो आप क्या करें उस पॉइंट को आप पीछे शिफ्ट कर दो है ना वो वो लैग कर जाएगा वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ठीक है तो इस स्लैब को फिर आपको हटा देना है और इतना एडिशनल पाथ रिफरेंस आपको ऐड कर देना है मतलब मैं बताऊं पाथ ऐड कर देना है मतलब देखिए इधर ये दोनों स्लीट है ना यहां पर S1 S2 यहां पे स्लैब रखा हुआ था तो आप क्या कीजिएगा S1 को पीछे शिफ्ट कर दो अब आप और ये शिफ्ट करने के बाद ये जो डिस्टेंस है ना एक्स्ट्रा वो म्यू माइनस वन इंटू टी आ जाएगी और S2 यहीं का यहीं है देखो S1 तो यहां पे था S2 यहीं का यहीं है एज इट इज वहीं का वहीं है ठीक है एंड देन फिर क्या करो सामने स्क्रीन है यहां से वेव जाएगी ये ठीक है थीके? मैं कलर चेंज करूं यहां से ये यह वेव जाएगी यूं जाएगी एंड देन आगे स्क्रीन पे चली गई एस से वेव चलेगी देखो ठीक है और जो एंगुलर पोजिशन है वो ये वाली थीटा है ये वाली राइट तो अब अगर इसमें पाथ डिफरेंस लें अपन पाथ डिफरेंस कितना आएगा देखिए पाथ डिफरेंस आ जाएगा दिस माइनस दिस कंप्लीट लेंथ राइट दिस लेंथ इज आर टू दिस लेंथ इज आर वन राइट दिस लेंथ इज आर वन देन पाथ रिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव इज आर टू माइनस आर वन माइनस म्यू माइनस वन इन टी करेक्ट ये पाथ डिफरेंस आ गया यहां पर और ये R2 टू माइनस आर तो ज्योमेट्री से हम ऑलरेडी जानते हैं ज्योमेट्री से कितना हो जाएगा ये लेंथ D है तो ये आ, ये एंगल थीटा है तो ये डी साइन थीटा आ जाएगा ये वाला पार्ट है ना ये डी साइन डी साइन थीटा सो so, so, ये डी साइन थीटा आ गया माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी ये पाथ डिफरेंस आपके पास आ चुका है और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की बात करें आप तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए एन लेमडा के बराबर होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटिफ्रेंस है तो टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू के बराबर हो जाएगा बस इतना ही से तो फर्क है इसका मतलब डी साइन थीटा जो है वो एग्जैक्टली exactly देखा जाए किसके बराबर आ गया यहां पर देखो एन लेमडा जैसे कंस्ट्रक्टिव की बात करें ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा एड हो जाएगा इसके साथ तो एन लेमडा में एक एडिशनल पार्ट एक 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 पार्ट जो है वो म्यू माइनस वन टूटी है मतलब एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो एड हो चुका है बाकी तो सारी चीजें सेम है सिंपल अगर अपने थीटा तो को थीटा लिख दू तो डी थीटा इज इक्वल टू जो सपोज ये पोजिशन वाई है तो थीटा इज इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर कपोन रेडियस एंड रेडियस इज कैपिटल डी सो थीटा इज इक्वल टू वाई बाय कैपिटल डी राइट वाई बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लेमडा प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी है ना यहां से वाई की वैल्यू कितनी आएगी इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए देखो कितना आया डी तो हमने सारा कॉन्सेप्ट यहां पर सीख लिया इसका तो एक चीज देखो बड़ी काम की है जो कि आपको याद भी रखनी चाहिए जेई मेन्स के अकॉर्डिंग नीट में जनरली ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं हैं फिर भी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है तो अगर ये पार्ट नहीं होता यहां पर तो केवल एन लेमडा डी बाइस मोल्डी ही आता लेकिन अगर आपने स्लैब को यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसके कारण एक, एक एक्स्ट्रा पार्ट और आ गया इसके अंदर और वो देखिए कितना है म्यू माइनस वन इंटू टी कैपिटल डी बाइस मोल्डी तो अगर आप सपोज आ, एन बराबर वन वाला मैक्सिमा चाहिए या ब्राइट फ्रिंज चाहिए टू वाला चाहिए थ्री वाला चाहिए तो उसके अंदर ये एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो रहा है इसका मतलब ये शिफ्टिंग हो गई

अब वैल्यू आप देखो कैसे फाइन करोगे सारा डाटा अपन को दे रखा है तो शिफ्टिंग अपन को यहां पर फाइन करनी है तो शिफ्टिंग देखिए तो शिफ्टिंग है एस इज इक्वल टू म्यू माइनस वन टी इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी अब ये सारी वैल्यू रखेंगे अपन हालांकि हमें शिफ्टिंग दे रखी है शिफ्टिंग कितनी है यहां पर शिफ्टिंग है फाइव एम एम राइट तो हमें म्यू की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करनी थी तो म्यू की वैल्यू देखिए कैलकुलेट करते हैं शिफ्टिंग की वैल्यू फाइव एम एम तो फाइव एम mm एम रख दीजिए या टेन टू दावर माइनस थ्री मीटर में कन्वर्ट कर लो बराबर म्यू माइनस वन Into t, t is the thickness of slab, and the slab thickness is uh, 0.5 mm, right? 0.5 mm, so 0.5 mm 10 to the power minus 3. Capital D is the separation between screen and slits, which is uh, 10 cm, right? Capital D is uh, 10 cm, so 10 to the power minus uh, 10 to the power minus 1 will be 10 into 10 to the power minus 2, right? So 10 to the power minus 1, lik do, yaa, simply 10 into 10 to the power minus 2, write. Okay. Upon अपॉन में स्मॉल डी आ जाएगा एंड ये स्मॉल डी अगर आप स्मॉल डी को गौर करें तो स्मॉल डी हमारे पास है यहां पर टू एम एम स्मॉल डी टू एम एम है तो ये टू एम एम रख दीजिए टू इंटू टेंट दावर माइनस थ्री करेक्ट तो ये आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो देखिए ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट हो गया ठीक है पॉइंट फाइव है तो पॉइंट फाइव को अगर आप रिमूव करोगे तो यहाँ टेंट दी पावर माइनस थ्री आ जाएगा है ना तो टेंट दी पावर माइनस थ्री से टेंट दि पावर माइनस थ्री कैंसिल आउट हो गया एंड फाइव uh, से फाइव कैंसिल आउट हो गया राइट right. पे 10 बचा है, तो टेन को आप इधर टेन बाई टू तो सीधी सी बात है बचेगा और 5 को इधर लेके तो right? तो आओगे so, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है कॉन्सेप्ट क्या था कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि जिस स्लिट के आगे आपने स्लैब को इंट्रोड्यूस किया है स्लैब को हटाइए एस वन या एस टू जो भी है उसको शिफ्ट कर दो पीछे की तरफ म्यू माइनस वन इंटू टी एंड देन सिंपली ज्योमेट्री से उसको करोगे तो फाइनल जो रिजल्ट जो आपकी आपको याद रखना है शिफ्टिंग कितनी हो जाती है म्यू माइनस वन इंटू मे टी ठीक है वो तो ध्यान है ही आपको इंटू मे कैपिटल डी बाय स्मॉल डी बस ये शिफ्टिंग हो जाएगी तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है सेंट्रल मैक्सिमा की बात करें या जीरो ऑर्डर मैक्सिमा की बात करें सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज होती है वो भी शिफ्ट हो जाएगी जिस तरफ आपने स्लैब रखी है ना उसी तरफ शिफ्ट हो जाएगी अगर स्लैब एस टू पे रखते तो वो नीचे शिफ्ट हो जाता ठीक है और शिफ्टिंग हमने यहां पे सीख ली है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ये भी अच्छा एक कॉन्सेप्ट था आइडिया के साथ साथ हमने स्लैब वाला पार्ट भी यहां पे कवर कर लिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ओके क्वेश्चन नंबर टू इन ए फ्रोन ओफर डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट एट ए सिंगल स्लिट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ

सेंटर जो है वो सेंटर से एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी यहां पर तो यहां पर वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा ठीक है ये वेव फ्रंट जब इंसिडेंट होगा तो इस वेव फ्रंट पर आप सेकेंडरी वेवलेट्स एज्यूम कर सकते हैं यहां पे बहुत सारे छोटे छोटे सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे इनसे वेव्स इमिनेट होंगी और वो वेव सुपर सुपर इंपोज एंड देन सामने आपको स्क्रीन पे आपको कुछ इस टाइप से इंटेंसिटी पैटर्न नजर आएगा ठीक है दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा की वीट दूसरे जो पीक आपको नजर आ रहे हैं देखो ये एक तो मेन पीक है इसमें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है फिर ये मिनिमा नजर आ रहा है आपको यहां पर भी मिनिमा नजर आ रहा है यहां पर भी मिनिमा है यहां पर भी मिनिमा है ये फर्स्ट मिनिमा है ये सेकंड ये सेकंड मिनिमा है ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है है ना सेकेंडरी मैक्सिमा कह सकते हो फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा बोला जाता है इनको ये सेंट्रल मैक्सिमा है है ना प्राइमरी मैक्सिमा ये सेंट्रल मैक्सिमा है ये फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा है इसके बाद में जो पीक आएगा उसकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी वो सेकंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा है ठीक है तो हमें मिनिमा की लोकेशन दे रखी है देखो ये मिनिमा है ना मिनिमा की एंगुलर पोजिशन अपन को दे रखी है ये वाली एंगुलर पोजिशन थीटा मिनिमा के लिए आपको ध्यान रखना है कि ए साइन थीटा ध्यान से देखना ए साइन थीटा मिनिमा की बात करें ए साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू होती है एन लेमडा के बराबर ये मिनिमा के लिए लोकेशन है ये आप ध्यान रखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फॉर मिनिमा फॉर मिनिमा ए साइन थी क्या है A है width, A है A है है स्लिट स्लिट ठीक थीटा इज इक्वल टू ये मिनिमा लोकेशन फर्स्ट मिनिमा के लिए एन के लिए वन सेकेंड के लिए टू थर्ड के लिए थ्री इस वे, इस वे से रखना है और मैक्सिमा के लिए बात करें यहां मिनिमा लिख देता हूं मैं मैक्सिमा के लिए बात करें तो ए साइन थीटा जो है वो आपके पास आ जाएगा टू एन प्लस वन राइट ये आपके पास क्या आएगा मैक्सिमा राइट मैक्सिमा मतलब एन की वैल्यू यहां पर आपको किससे स्टार्ट करनी है वन से स्टार्ट करनी है ध्यान रखना आप वन से आप स्टार्ट करोगे तो वन मतलब थ्री थ्री लेमडा बाई टू आ जाएगा यहां पर राइट टू रखोगे तो फाइव लेमडा बाई टू हो जाएगा ये चीज आपको ध्यान रखनी है अंडरस्टूड तो ये

Uh, ये कहां पे गया ये देखिए सेकेंडरी मैक्सिमम इज गिवन बाय फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम ध्यान से देखना फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम ये जो मैक्सिमा है ना देखो मैंने आ, मैंने वापस मैं आपको समझा रहा हूं ये सेंट्रल मैक्सिमा है इसको प्राइमरी मैक्सिमा भी बोला जाता है इसके अलावा जितने भी पीक्स बनते हैं ना छोटे छोटे वो सेकेंडरी मैग्जीमाज होते हैं लेकिन उनका ऑर्डर क्या होता है जैसे फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा सेकंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा थर्ड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा राइट तो इसमें फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है इसका मतलब एन की वैल्यू यहां पे क्या रखनी है one रखनी है फर्स्ट है ये सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन राइट ए साइन और ए की वैल्यू कितनी है टू लैमडा है तो मैं लिख दूंगा साइन थीटा थीटा निकालना है इसके लिए एंगुलर पोजिशन आपको निकालनी है और एन की वैल्यू वन रखोगे तो वन इंटू टू टू प्लस वन थ्री थ्रीडा बाई टू आ गया ले साइन थीटा इज इक्वल टू थ्री बाय फोर थीटा थीटा देन इनवर्स इनवर्स तो तो इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट तो ऑप्शन क्या है बेटा इसका सेकंड है इसमें जैसे फर्स्ट ऑर्डर पूछा है सेकंड ऑर्डर पूछ ले तो सेकंड पूछे तो एन की वैल्यू टू रख सकते हो आप है ना बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल है सारी चीजें कवर हो गई है इसके अंदर अगर अपन देखें तो मेन मेन अगर बात करें एंगल वाइज बात करें तो मिनिमा के लिए ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा ठीक है और अगर मैक्सिमा की बात करें मतलब मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो ए साइन थी बराबर टू एन प्लस वन लेमडा बाई टू होगा ये सेकेंडरी मैग्जिमाज के लिए लगेगा प्राइमरी मैक्सिमा जो है या सेंट्रल मैक्सिमा जो यहां पर सेंटर पर ही बनेगा इसकी विथ जो होती है वो सेकेंडरी मैक्सिमा से टू टाइम्स होती है इंटेंसिटी भी सबसे ज्यादा होती है यहां पर ठीक है बेटा तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये इससे कुछ कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हुए हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए सर्टन मीडियम इज साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव ओके द पोलराइजिंग एंगल ऑफ द मीडियम इज ये भी अगेन इससे भी अपना टॉपिक जो है रिवाइज होगा पोलराइजिंग एंगल पूछा है बेटा तो पोलराइजिंग एंगल की बात करें तो ये एक्चुअली में ब्रूस्टर एंगल की बात करना चाहता है ब्रूस्टर एंगल और ब्रूस्टर एंगल का आपको ध्यान हो हम थोड़ा सा देखें इस पर जैसे यहां पे दो मीडिया है बेटा ठीक है ये मान लीजिए एयर है और इस मीडियम का रिफेक्ट इंडेक्स म्यू है ठीक है और अगर लाइट जो है रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है इंसिडेंट होगी इस लाइट रे का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होगा पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होगा ठीक है अगर आप ये वाला एंगल जिसको मैं थीटा पी लिखूंगा और ये वाला एंगल भी थीटा पी हो जाएगा फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से कि इस वे से आप इस लाइट को इंसिडेंट करें जिससे कि रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाए 90 बन जाए 90 अगर फॉर्म हो तो उस केस में यह वाली जो रिफ्लेक्टेड लाइट है यह पोलराइज होती है प्लेन पोलराइज लाइट होती है बताइए ब्रूस्टर एंगल और ब्रूस्टर एंगल को अगर आप कैलकुलेट करो बड़ा आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है यह पी है यह नाइनटी है तो यह वाला रिमेनिंग एंगल कितना आ जाएगा नाइनटी माइनस पी करेक्ट नाइनटी माइनस पी तो यहां से अगर आप स्नेल स्लो भी अपलाई करते हो जाएगा सो so, ईयर साइन थीटापी बाई कॉस थीटापी टेन थीटापी सो so, म्यू इज इक्वल टू टेन p तो अगर आपसे म्यू पूछे तो आप p निकाल करके वैल्यू रख सकते हो या p पूछे तो टेन इनवर्स में फाइंड कर सकते हो टेन यूनर्स म्यू आ जाएगा ब्रुस्टर एंगल आ जाएगा तो हमें ये वाला एंगल ही फाइंड करना है लेकिन आपको हिंट क्या दे रखा है क्रिटिकल एंगल ऑफ सर्टन मीडिया इज दिस ये क्रिटिकल एंगल आपको गिवन है यहां पर अब क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट आपको पता है क्रिटिकल एंगल के लिए आपको लाइट रे को डेंसर मीडियम से भेजना पड़ता है ठीक है ये डेंसर मीडियम है यहां से आपने इंसिडेंट किया लाइट को और ये क्रिटिकल एंगल थीटा सी और यहां पर जो म्यू है और क्रिटिकल एंगल के लिए लाइट जो है वो नाइनटी डिग्री एंगल पर अमर्ज होती है हाँ या ना तो यहां से अगर क्रिटिकल एंगल के लिए रिलेशन लिखे तो आप आसानी से लिख सकते हो म्यू इंटू साइन 90 सो हियर साइन सी इज इक्वल टू वन अपॉन वन अपॉन म्यू इज इक्वल टू साइन सी ठीक है एंड हियर क्रिटिकल एंगल इज साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव तो थीटासी की जगह साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव रखोगे तो थ्री बाय फाइव ही आएगा सो इन बाय म्यू इज अ थ्री बाय फाइव सो म्यू इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री म्यू की वैल्यू कितनी आ गई फाइव बाई थ्री गई और म्यू अगर फाइव बाय थ्री गए तो यह म्यू यहां रख सकते हो आप फाइव बाई थ्री इज इक्वल टू टेन थीटा पी सो थीटा पी इज इक्वल टू इनवर्स इनवर्स आंसर आ जाएगा तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ठीक है तो इस वे से आप बेटा इस क्वेश्चन को कर सकते हो तो देखिए हमने ये तीन क्वेश्चन लिए स्टार्टिंग के इन तीनों क्वेश्चन के अंदर हमने वाईडीएससी वाला पार्ट कवर किया मोस्ट ऑफ पार्ट हमने डिफ्रेक्शन वाला पार्ट भी कवर किया हमने पोलराइजेशन वाला पार्ट भी काफी हद तक कवर किया है ठीक है चलिए आगे चलते हैं टू लाइट वेवस एट ए सर्टन पॉइंट है तो दो वे दोनों की है, दोनों है, है ना इंटरफ्रेंस के लिए कोहरेंट होना बहुत जरूरी हैम होना चाहिए फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए तो कोहरेंट मान सकते हैं अपन उसके अलावा आपको ये दोनों वेव्स के लिए कंडीशन दे रही है जैसे फर्स्ट uh, केस में एम्पलीटूड जो है टू ए नोट ए नोट पाई का फेस डिफरेंस है दूसरे केस में थ्री नोट फाइव ए नोट पाई का फेस डिफरेंस है तीसरे केस में नाइन ए नोट सेवन नोट थ्री पाई का फेस डिफरेंस है चौथे केस में टू ए नोट टू ए एंड जीरो का फेस डिफरेंस है जब पाई का फेस डिफरेंस होता है तो डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस होता है और एम्पलीट्यूड ए वन माइनस ए टू होता है और जब टू पाई जीरो फोर पाई का फेस डिफरेंस होता है देन कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस देन एम्पलीट्यूड होता है ए वन और उससे हम एम्पलीट्यूड इजीली फाइंड कर सकते हैं और पूछा क्या है द पेयर्स विच हैज ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी अच्छा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेर ऑफ एंपलीट्यूड तो सीधी सी बात है एंप्लीट्यूड जिसका ज्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी तो अब आप सबसे पहले ये देखिए फर्स्ट केस में देखें तो पाई का फेस डिफरेंस है तो एम्पलीट्यूड ए वन माइनस ए टू आ जाएगा तो ज्यादा वाले से कम को सप्टेट कर दो सिक्स ए नोट माइनस टू ए नोट तो इसका एम्पीट्यूड कितना आएगा फोर ए नोट आ जाएगा एम्पीट्यूड कितना है इसका फोर ए नोट दूसरे वाले केस में देखो थ्री ए नोट फाइव ए नोट पाई का फेस डिफरेंस है तो डिफरेंस आ जाएगा टू ए नोट इस थर्ड केस में देखो नाइन ए नोट सेवन ए नोट एंड थ्री पाई का फेस डिफरेंस अगेन आई रिपीट पाई का फेस डिफरेंस हो पाई 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 हो 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 अगर ऐसा मिल रहा है तो डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस तो कितना है टू ए नोट फोर्थ केस में जीरो फेस डिफरेंस है इसका मतलब, इसका मतलब और A, हो जाएंगे ना तो फोर ए नोट आ जाएगा बोलो एम्पलीट्यूड तो अब आप ये देखिए इंटेंसिटी उसी की ज्यादा होगी जिसका एंप्लीट्यूड ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी सीधी सी बात है फर्स्ट केस में और फोर्थ केस में एंप्लीटूड ज्यादा है तो इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो फर्स्ट एंड फोर्थ इसका आंसर आएगा तो वो बेटा फोर्थ ऑप्शन में अपन को मिल रहा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा क्लियर तो ये सुपर पोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिल गया हमें है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्ट्रेट इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट यूजिंग वाईडीएससी ठीक है In order to maintain same spacing of fringes, yes, distance capital D of the screen from slits must be changed to तो ये क्या कह रहा है अपन को? अच्छा एक लाइन और थी इसमें. Slit separation is doubled. ये कह रहा है small d को अगर आपने double कर दिया, ठीक है? और in order to maintain same spacing of fringes, fringes के बीच में spacing जो होती है ना, वो fringe width पे depend करती है. और fringe width जो है, beta is equal to fringe width. बीटा इज इक्वल डी को डबल कर, दें, इसको डबल कर दिया तो डिस्टेंस कैपिटल डी ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट्स मस्ट बी चेंज टू तो अगर बीटा को कांस्टेंट रखना है तो सीधी सी बात है कि अगर आपने डी को डबल किया तो कैपिटल डी को भी डबल करना पड़ेगा तभी तो टू से टू कटेगा तभी कैपिटल बीटा सेम रहेगा इसका मतलब कैपिटल डी अब क्या हो जाना चाहिए टू कैपिटल डी हो जाना चाहिए तब जाकर के वो सेम रहेगा तो टू कैपिटल डी मीन थर्ड ऑप्शन है ना सिंपल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई आइए इफ ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स एट ए डिस्टेंस आर देच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज द एम्पलीट्यूड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट सोर्स बेटा पॉइंट सोर्स से अगर मैं किसी डिस्टेंस आर पे बात करूं ठीक है ये पॉइंट सोर्स है इसे वेव्स इम्यूनेट होंगे ऐसे करके तो डिस्टेंस आर पे बात करें हम तो इंटेंसिटी जो है वन अपोन आर स्क्वेयर के इनवर्सली मतलब प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी सिंपली देखा जाए तो पी अपॉन में ए परपेंडिकुलर होता है पी इज द पावर ऑफ सोर्स वो सोर्स पे डिपेंड करेगा कंप्लीटली ठीक है पावर मतलब सोर्स पे डिपेंड करेगा जिसमें फ्रीक्वेंसी भी आएगी और अपॉन में एरिया एरिया की बात करें तो पॉइंट सोर्स के round, जो बनेगा वो स्फेरिकल बनेगा बेटा तो एरिया आ जाएगा इंटेंसिटी so, के के वेव की बात करें तो सो ए इज प्रपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वेयर सो इज प्रपोर्शनल टू वन अपॉन आर है ना तो ए आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब आर के माइनस वन के ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो केस में बेटा सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा है ना तो वेव फ्रंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ये मतलब इंटेंसिटी से रिलेटेड तो ये भी अपने आप में चैप्टर का पार्ट है बेटा तो यहां पर हम मोस्टली यही इन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे चैप्टर मतलब लगभग कंप्लीटली जो है आपका रिवाइज हो जाए इन क्वेश्चन के बेसिस पर ठीक है तो आपको ये वीडियोस डेफिनेटली देखनी चाहिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फेस डिफरेंस बिटवीन टू कोहरेंट लाइट वेव्स

वैक्टर मैथड को यूज करना है ठीक है फेज डिफरेंस आपको दे रखा है वैक्टर मैथड से आप रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हो जैसे आपके पास एक वेव का एम्पलीट्यूड ए वन है तो उसको एरो से रिप्रेजेंट कर दो दूसरी जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड ए टू है तो उसको आगे इसको कंटिन्यूटी में लगा दो अटैच कर दो सेम ऑर्डर में और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस देखा जाए तो वो इन दोनों के बीच में एंगल को रिप्रेजेंट करेगा लेट्स से फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव इज थीटा एम्पलीट्यूड फर्स्ट वेव इज ए वन एंड सेकेंड वेव इज ए टून द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज दिस वन रिजल्टेंट वैक्टर तो इसका एम्पलीट्यूड आपको पता करना है बस खेल खत्म तो so, आप वैक्टर मैथड इसमें यूज कर सकते हो दो वेवस हैं तीसरी वेव का अगर एम्पलीट्यूड आपको फाइन करना वैक्टर मैथड यूज़ कीजिए तो so, आपको बेसिक सा फॉर्मूला आपको मालूम होगा ए इज इक्वल टू वैक्टर एडिशन के लिए अंडरवुड में ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायेयर प्लस टू ए वन ए टू यहां पर क्या दे रखा है ये इसको मैं ए आर बोल देता हूं रिजल्टेंट, राइट ए आर लिख देते हैं एवन और एनो का एम्पर सेम है तो सो ए स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस टू ए इंटू ए टू ए स्क्र एंड कोस थीटा थीटा इज टू पा बाई थ्री टू बावेंटी होता है वैल्यू अब आपको ये कन्वर्जन तो पता ही होना चाहिए कॉस वन ट्वेंटी की वैल्यू माइनस वन बाई टू होती है माइनस वन बाई टू करोगे तो टू से टू कट जाएगा तो माइनस का ए स्क्वेर आ गया ये ए स्वेयर से ए स्क्य कट जाएगा तो ए स्क्वेयर कंट्रोड ही बचेगा लास्ट में सही है तो रिजल्टेंट वेव जो बनी उसका जो एम्पलीट्यूड वो एक्जैक्टली ए के ही बराबर है तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर थर्ड हो जाएगा राइट थर्ड ऑप्शन है ना तो ये था इसका आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आइए इन द एडजस्टेंट डायग्राम सी पी रिप्रजेंट ए वेव फ्रंट एंड एंड बी यस येस एंड बी द क्रॉस टू रेज फाइंड द कंडीशन ऑन थीटा फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस एट पी बिटवीन द रे बी एंड द रिफ्लेक्टेड रे ओ यस आइए जरा ध्यान से देखिए ये वेव फ्रंट है एक right? राइट और ये दो रेज आपने लिए एक तो रे ये वाली आ रही है और एक रे ये वाली आ रही है अब पी पॉइंट पे इंटरफ्रेंस हो रहा है कैसे ये देखो ये वाली रे आई यहां पे और ये वाली रे देखो यहां से रिफ्लेक्ट हुई एंड देन फिर यहां पहुंची तो दोनों रे के बीच में पाथ डिफरेंस अगर आपको पता लग जाए तो डेफिनेटली आप ये पता लगा सकते हो कि कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन क्या होगी डिस्ट्रक्टिवली कंडीशन क्या होगी बेटा तो पाथ डिफरेंस की बात करें यहां तक तो सेम है ये देखो ये जो भी रस्ते को फॉलो कर रही थी दोनों रेस यहां तक तो सेम है दोनों रास्ता सेम ट्रेवल कर रही थी लेकिन इस वाली रे ने एक्स्ट्रा पाथ ये वाला ट्रेवल किया तो पाथ डिफरेंस क्या होगा दिस प्लस दिस ना यही तो होगा यही तो पाथ डिफरेंस है अब इसको हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे और ये जो लेंथ है ये डी के इक्वल है स्मॉल डी के इक्वल है और आपको एंगल थीटा नजर आ रहा है फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रैंगल दिस इज बेस एंगल के पास वाला बेस है। एंगल थीटा ये वाला बेस बेस पता है हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज थीटा ठीक है देन हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस अपॉन में थीटा तो दैट मींस दिस लेंथ इज डी बाय थीटा ये लेंथ आ गई आपके पास मतलब ये वाली लेंथ आपने कैलकुलेट कर ली यहां से यहां तक वाली अब मुझे ये वाली लेंथ भी निकालनी है अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखो गौर से ध्यान से देखना ये वाला ट्रायंगल दिस एंगल इज टू थीटा कंप्लीट एंगल दिस इज डी बाय थीटा तो अब मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है ये वाली मतलब ये वाला बेस इस ट्रैंगल का बेस निकालना है क्योंकि ये एंगल 90 है तो अगर आपको हाइपोटेनस मालूम है तो बेस क्या आ जाएगा बेस आ जाएगा हाइपोटेनस हाइपोटेनस इनटू में थीटा so is, थीटा सो द दिस लेंथ इज इज डी बाय ये तो हाइपोटेनस आया है और इंटू मे कॉस टू 2 थीटा ये लो जी ये लेंथ भी आ गई तो इसका मतलब दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो दिस प्लस दिस हो जाएगा

ठीक है ध्यान से देखिएगा तो पाथ डिफरेंस अपन यहां कैलकुलेट कर ही चुके हैं ठीक है थीके? अब एक चीज है यहां पर जब ये ये लाइट पॉइंट ओ से से रिफ्लेक्ट होगी गौर देखना एक मिरर मिरर है है और अगर है, तो मिरर से पाथ डिफरेंस एडिशनल पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाता है वो होता है पाई के इक्वल ठीक है एडिशनल पाथ डिफरेंस पाई के इक्वल हो जाता है बेटा ठीक है अगर पाई का एडिशनल फेज डिफरेंस आ जाता है तो उस केस में ये ध्यान रखना जो कंडीशन आप कंस्ट्रक्टिव के लिए लिखते हो ना वो डिस्ट्रक्टिव में चली जाएगी और जो डिस्ट्रक्टिव वाली होती है वो कंस्ट्रक्टिव में चली जाएगी ये चीज ध्यान रखें आप पाई का अगर पाथ फेज डिफरेंस हो तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करें तो जैसे मैंने यहां पे पाथ डिफरेंस 2d डी कॉसिटा कैलकुलेट किया है तो अगर कंस्ट्रक्टिव की बात की जाए तो एक्चुअल में कंडीशन क्या होनी चाहिए टू एन या प्लस लिख सकते हो लेमडा बाई और डिस्ट्रक्टिव की बात की जाए तो टू डी कॉसिटा इज इक्वल टू एन लेमडा ऐसा होता है यह ध्यान रखें आप लेकिन मुद्दा यह है कि यह मिरर है कि नहीं है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन यहां से नहीं दे रखा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी यहां कि मिरर है क्या क्योंकि देखो अगर वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है ना जैसे मिरर है वो डेंसर मीडियम की तरह ट्रीट करते हैं उसको तो डेंसर मीडियम अगर हो तो पाई का फेस डिफरेंस कंफर्म आता है और अगर रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो जीरो का फेस डिफरेंस आता है तो जीरो का फेस डिफरेंस आता है ना तो उस केस में कंडीशन स्विच नहीं करनी है अपन को कंस्ट्रक्टिवली एन ही रहेगा और के, लिए 2N, 1, 2 के बराबर रहेगा ठीक है अब ये मिरर नहीं दे रखा अपन को तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला है दिखने में तो मिरर है राइट right? तो मिरर को फॉलो करें तो ये कंडीशन आएगी पक्का कंडीशन यही आएगी एन वैल्यू जैसे वन रख दूं तो लैम्डा बाई टू जाएगा टू रख दूं तो थ्री लैम्डा बाई टू जाएगा इस वे से और अगर ये मिरर नहीं है रेर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुए सपोज तो उस केस में भैया कंस्ट्रक्टिवली uh, ही वाली कंडीशन लगेगी तो अपन चेक कर लेते हैं यहां जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे अपन बाकी कुछ नहीं है तो अगर मैं uh, इस केस में इस वाले केस के अंदर अगर मैं एनके वैल्यू वन रख दूं यहां पर एन के वैल्यू वन रखूं तो कितना आएगा टू माइनस वन वन एंड देन लेमडा बाई टू आ जाएगा यहाँ पर कंफर्म है लेमडा बाई टू आएगा और मतलब कंस्ट्रक्टिवली बात करूं अगर मीर में मान लूँ तो लेमडा बाई टू एंड देन टू तो ये आ जाएगा कॉस इटा इज इक्वल टू लेमडा बाई फोर डी

फर्स्ट एंड इसके दोनों ही पॉसिबल हैं अगर ये मिरर है देन उस केस में ये कंफर्म है कि आंसर क्या आएगा 4D ही आएगा बाय ही और अगर मिरर नहीं है ठीक है रेयर मीडियम भी हो सकता है उससे रिफ्लेक्शन के कारण भैया ये वाला केस भी आप लगा सकते हो तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन भी इसका पॉसिबल है क्लियर ठीक है तो बेस्ट आंसर जो इसका वो सेकंड होना चाहिए ठीक है बात आ गई समझ में आपको तो पाई का फेस डिफरेंस आता है ना तो कंडीशन स्विच कर देनी अपन को हर हालत में और बाकी रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता तो जीरो का फेस आता तो कंस्ट्रक्टिवली एन रहेगा डिस्ट्रक्टिवली टू एन माइनसाई टू रहेगा ठीक है बेटा तो आई थिंक ये भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है और यहां पर हमने जो बेसिक जो चीज लगाई वो ज्योमेट्री लगाई है ज्योमेट्री से हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना सीखा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आइए इन द गिवन फिगर इफ ए पैरल बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन ऑफ द स्लेट्स देन द द द डिस्टेंस ऑफ स्पॉट ऑन स्क्रीन फ्रॉम ओइस एक व्हाइट लाइट को आपने इंसिडेंट किया और हमें अच्छे से पता है कि जो वाइट लाइट व्हाइट लाइट बीम को अगर आप वाईडीएस के अंदर इंसिडेंट करते हो ठीक है स्लिट के ऊपर तो जो सेंट्रल फ्रिंज है ठीक है सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट वाइट नजर आती है और उसके जो एजेज है, होते हैं वो थोड़े कलर्ड नजर आते हैं अपन को तो इसने सेंट्रल ब्राइट स्पॉट की बात की है व्हाइट स्पॉट की बात की है ठीक है तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑब्वियसली सेंटर पे ही बनेगी अब ये जो डिस्टेंस है थोड़ा सा आपने इसको चेंज किया हल्का सा यहां पे ये स्लिट नंबर S1 है ये वाली S2 है और ये पूरी डिस्टेंस कैपिटल स्मॉल डी है तो इसका जो मिड पॉइंट जो होगा वो कहीं ना कहीं यहां पे होगा और यहां से अगर मैं लाइन ड्रो करूं तो यहीं पर तो सेंट्रल मैक्सिमा ये कह सकते हो या जीरो ऑर्डर मैक्सिमा यहां बनेगा यहीं पे तो बनेगा और ये डी तो है तो मैं ये कह सकता हूं यहां से ये लाइन ड्रो कर दी यहां से मैंने एक लाइन ड्रो कर दी तो पक्का पक्का ये जो लाइन है ये पक्का डी बाई टू के बराबर होगी डी बाई टू ये गैप है ना और यहां पे ये यह बनेगा और हमसे पूछे कि ओ से डिस्टेंस बताइए है ना बिंदु ओ से आपको ये डिस्टेंस बतानी है इस पॉइंट की तो ये वाली डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना बड़ा आसान है क्यों क्योंकि ये डिस्टेंस टू डी बाई थ्री यहां से नजर आ रहा है ये देखो ये टू डी बाई थ्री है तो ये टू डी बाई थ्री में से डी बाई टू सब्टेक्ट कर दूंगा मेरे पास ये लेंथ आ जाएगी सो द लेंथ इज डिफरेंस ऑफ टू डी बाई थ्री एंड डी बाई टू एल्सियम इसका सिक्स आ जाएगा तो थ्री इंटू टू तो फोर डी आ गया ऊपर यहां जाएगा थ्री डी आंसर इज डी बाई सिक्स करेक्ट तो so डिफरेंस कितना आ डी बाई सिक्स के बराबर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ए लॉन्ग नैरो हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइज वन एम एम ए प्लेन मीर अच्छा अब यहां प्लेन मिरर दे दिया है तो ये कंफर्म है कि पाई का डिफरेंस हमें लेना ही लेना है द इंटरफ्रेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय स्लिट एंड इट्स इमेज इज व्यूड ऑन अ स्क्रीन यस डिस्टेंस वन मीटर फ्रॉम द स्लिट्स यस The wavelength of the light is 600 nanometer. Then the distance of the first maxima above the first mirror is equal to, okay, first mirror is equal to, right, above the mirror is equal to. देखो, source आपको दे रखा है यहाँ पर, ये distance small d दे रखी है आपको, ये distance capital D दे रखी है। एक तो light बेटा यहाँ से ही उन जाएगी, ray, ray की बात करूँ, और एक part reflect होके इधर चला गया। तो अगर मैं इसको इमेज मेथड से डील करूं क्योंकि हालांकि हमें अगर यहां पर इंटरफेरेंस करवाना है तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस देखना पड़ेगा तो ये वाला लेंथ माइनस ये वाला लेंथ देखो ध्यान से दिख रहा है ये वाला लेंथ को आपको किसमें सप्टैक्ट करना है इस वाले लेंथ में से सप्टेक्ट करना है तो आपके पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा पाथ डिफरेंस आने के बाद कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्टिव वाला अप्रोच लगा देंगे अपन तो अगर मैं इमेज मैथड से सॉल्व करूं तो एस को आगे अगर कंटिन्यू करूं तो यहां पर इसकी इमेज बन जाएगी एस डैश और ये अगर इस रे को अगर यहां से ऐसे इसको सिमेट्रिकली अगर ड्रॉ कर दूं तो क्या ऐसा फील नहीं हो रहा कि जैसे एस डे से एक रे रह आ रही है और एक एस से रे रह आ रही है इनके बीच में पाथ रिफरेंस चाहिए तो ये वाई डी एस सी की तरह ही हो गया ना सेम सेम उसी की तरह ही आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो ये डी है तो ये भी डी होगा तो इसका मतलब दोनों के बीच में जो सेपरेशन जो वाई डी एस सी के अंदरेशन डी लेते थे वहां पर यहां पर टू डी लेना पड़ेगा समझ में आ रही बात टू डी लेना पड़ेगा और ये कैपिटल डी डिस्टेंस है ये भी ठीक है ये भी ओके okay, कोई दिक्कत नहीं है सेंटर पॉइंट वो है लेकिन एक चीज का ध्यान रखना यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ है रे का पाई का फेस डिफरेंस आया है तो इसका मतलब जहां मिलेगा ना के अंदर, पर पे मिनिमम मिलेगा पाई का अब मतलब तो, the तो अब आप ये बताइए सेंटर पे यहां पे सेंटर पॉइंट है तो यहां पे मैक्सिम नहीं मिलेगा सेंटर पॉइंटम मिलेगा जो रेडियस के क्यों, क्यों क्यों पाई का फेस डिफरेंस आ जाएगा तो फर्स्ट मैक्सिमा जहां मिलेगा उसकी जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमा के अकॉर्डिंग लिखनी है तो मिनिमा के अकॉर्डिंग क्या होती है टू एन माइनस वन लैमडा कैपिटल डी है स्मोल स्म बाई टूटू में स्मॉल होता है तो टू डी रखना पड़ेगा करेक्ट क्योंकि ये डिस्टेंस हो चुकी है यहां पर बाकी एन की वैल्यू क्योंकि फर्स्ट पूछा एन की वैल्यू वन रखेंगे अपन तो एन की वैल्यू वन रख देंगे तो यहां पर टू माइनस वन तो मतलब वैल्यू आ जाएगी लैमडा डी बाय फोर डी ये हमारा आंसर आ जाएगा यहां पर ठीक है ये डिस्टेंस यहां से स्क्रीन से आ जाएगी इस मिरर से आ जाएगी तो बस लेमडा की वैल्यू रखो की अगर वैल्यू रखें यहां पर अपन तो लैमडा हमारे पास फोर हंड्रेड नाइनोमीटर राइट सिक्स हंड्रेड नाइनोमीटर तो ये रख देते हैं अपन तो सिक्स हंड्रेड टेन टू दावर माइनस नाइन इन टू कैपिटल डी यहां पर कैपिटल डी कितना है वन मीटर है वन मीटर यह दे रखा है देखिए तो ये वन रख देंगे यहां पर अपॉन में टू सॉरी फोर फोर इंटू स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है स्मॉल डी है वन एम एम राइट वन एम एम है स्मॉल डी तो वन एम एम बोले तो 10 टू पावर माइनस थ्री बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं वाई इज इक्वल टू यहां से देखिए 10 दी पावर माइनस थ्री ये 10 दी पावर माइनस सिक्स बचेगा और ये 10 दी पावर टू भी है तो टेंटर दी पावर माइनस फोर हो जाएगा यहाँ पर तो सिक्स बाय फोर इंटू टेंट दी पावर माइनस फोर मीटर में ये वैल्यू हो जाएगी और इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करो तो वाई इज टू कितना आ गया फोर से डिवाइड करो भाई तो वन पॉइंट वन पॉइंट टू बचेगा नेक्स्ट तो फाइव वन पॉइंट फाइव इंटू पावर माइनस फोर मीटर अगर आप इसको और सेटल डाउन करो तो पॉइंट हटा सकते हो पॉइंट मतलब इधर ला सकते हो तो जीरो पॉइंट वन फाइव अगर मैं कर दूं यहां पर जीरो पॉइंट वन फाइव करूं तो ट्वेंटी पॉवर माइनस थ्री हो जाएगा तो जीरो पॉइंट वन फाइव माइनस थ्री मीटर मतलब जीरो पॉइंट मिलीमीटर तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है मिरर था ना तो पाई का फेस डिफरेंस लेना ही लेना है हर हालत में तो उस केस में फिर मैक्सिमा uh, के लिए कंडीशन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ज्योमेट्री से रिलेटेड था और वाई के साथ कैसे कंपेरिजन किया वो भी आपको नजर आ गया होगा ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस यू फ्रॉम ए सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ एफ द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑपटेट डिपेंड्स ऑन तो ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन किस पे सिंपल माइक्रोस्कोप बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सिंपल एक मैग्नीफाइंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट ओर रख देते हैं यहाँ पर जिसकी हाइट टैच नोट ले लेते हैं अपन ठीक है और फाइनल इमेज कैसी बनाते हैं वर्चुअल बनाते हैं तो ये फोकस कहीं यहां पे है इसका लाइट रही यूं आई एक लाइट लाइटर यूं जाएगी इसको पीछे की तरफ आप एक्सटेंड करोगे तो यहां पर ये, ये इमेज नजर आएगी अपन को ठीक है ये वर्चुअल इमेज होगी और यही एंगुलर एंगल बनेगा विजुअल एंगल बनेगा आई पर और मैग्नीफाइंग पावर एम जो होता है वो थीटा बाई थीटा नोट होता है थीटा बाई थीटा नोट और उसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये डिस्टेंस सपोज यू ही है यहां पर यू ले सकते हो आप तो डी बाई यू के इक्वल ये लेंथ आ जाती है अपने पास ठीक है अब आपसे ये पूछा है कि मैग्नीफाइंग uh, पावर जो किस पे डिपेंड करता है तो क्या वो फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है एफ बट नॉट यू नॉट ऑन यू ओनली यू बट नॉट ऑन एफ ऑन एफ एज वेल एज यू नाइदर ऑन एफ नॉर ऑन यू ठीक है तो अगर आप इसमें गौर से देखें तो ये फोकल लेंथ पे यहां पर देखा जाए तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ये कैपिटल डी तो एक फिक्स वैल्यू है राइट right? यू पे डिपेंड कर रहा है ये है ना यू को अगर आप कम ज़्यादा करोगे तो उसके बिहार से आपके पास एम की वैल्यू भी कम ज्यादा ज़्यादा कम के बराबर आ जाएगी यू अगर कम रखोगे ना तो उसके इसमें एम की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी यू अगर ज़्यादा रखोगे तो एम की वैल्यू कम हो जाएगी तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है ओनली ऑन यू बट नॉट ऑन एफ सेकेंड ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ए पैरल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवल्स थाउजेंड एंगल स्ट्रॉम गेट्स डिफ्रैक्टेड बाई ए सिंगल स्लिट ऑफ विथ जीरो पॉइंट थ्री एम एम द एंगुलर पोजिशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द डिफ्रैक्टेड लाइट इज अगेन फ्रंट ऑफ अ डिफ्रैक्शन है ये और इसके अंदर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है सामने स्क्रीन है है ना

एंगल uh, जो ऑप्शन के अंदर है वो काफी स्मॉल नजर आ रहा है इसके इसका मतलब डेफिनेटली थीटा काफी स्मॉल होगा तो थीटा को थीटा लिख दो बराबर लेमडा बाई समझ में आई बात ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन को काम करना है ठीक है तो साइंथीटा थीटा थीटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन के अंदर बहुत स्मॉल एंगल दे रखा है तो इस केस में अपने साइंथीटा थीटा थीटा रख दिया तो थीटा बराबर लैमडा बाय ए बेटा और लैमडा की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन अपन को सिक्स थाउजेंड एंगेस्ट्रोम सिक्स थाउजेंड मतलब सिक्स इंटू टेंट दावर माइनस यहाँ पे सिक्स थाउजेंड एंगेस्ट्रोम है टेंट दावर माइनस uh, सेवन हो जाएगा अपॉन में ए ए है स्लिट स्लिटविथ जो कि 0.3 पॉइंट mm थ्री है तो 0.3 पॉइंट mm थ्री बोले तो 3 इंटू टेंट दी पावर माइनस फोर है ना मीटर के अंदर बस इसको कट करो ये 2 हो जाएगा इसको कट करो तो टेंट दावर माइनस थ्री आंसर इज 2 इंटू टेंट दावर माइनस थ्री रेडियन तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हमें फोर्थ मिल रहा है ठीक है तो सिंपल क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर लैमडा वन एंड लैमडा टू देन रेशो ऑफ देर रिस्पेक्टिव रिजोल्विंग पावर अगेन वेव ऑप्टिक्टर में हमने कुछ पोलराइजेशन के क्वेश्चन किए है ना और उसके अलावा इंटरफ्रेंस से रिलेटेड वाई डी एस सी एंड डिफ्रैक्शन इनके क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए सुपर पोजिशन रिलेटेड भी क्वेश्चन किए रिजोल्विंग पावर आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चन आ चुके हैं ठीक है रिजोल्विंग पावर जो होता है बेटा वो किस किस पे डिपेंड करता है ये ध्यान रखना देखिए रिजोल्विंग पावर जो है वो प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू एक तो होता है जो आप टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप जो भी लेते हो ना उसकी अपर्चर डायमीटर पे डिपेंड करता है ठीक है अपर्चर डायमीटर पे मतलब जिसका ज़्यादा डायमीटर होगा ना लेंस का अपर्चर ज़्यादा होगा तो उसके लिए रिजोल्विंग पावर उतना ही अच्छा होता है और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ वेवलेंथ ज्यादा ज्यादा पावर 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 कम कम ठीक है माइक्रोस्कोप के लिए सबसे मेन चीज होती है बेटा एंगुलर मैग्निफिकेशन जो कैपिटल एम निकालते हैं ना अपन वो भी ठीक होता है लेकिन उससे ज्यादा रिजोल्विंग पावर को जो है वो तवज्जो दी जाती है है ना उसका ज्यादा काम होता है रिजोल्विंग पावर अगर ज्यादा है ना टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के लिए वो बेस्ट होता है मरली बेस्ट होता है करेक्ट तो इसलिए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज किया जाता है क्योंकि विजिबल लाइट की अगर हम बात करें ना तो उसकी वेवलेंथ फिक्स है एक स्पेक्ट्रम के लिए उसका उसका जो रेंज है वो एक फिक्स रेंज है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी के साथ एक्सेलेट करते हैं अपने उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है स्पीड ज्यादा होती है तो डी ब्रोगली जो वेवलेंथ होती है ना इलेक्ट्रॉन की वो कम की जा सकती है बहुत कम और वेवलेंथ जितना कम होता है ना रिजोल्विंग पावर उतनी ज्यादा अच्छी होती है आप अच्छे से रिजोल्व कर पाते हो दो पास पास कोई अगर पॉइंट हो तो तो रिजोल्विंग पावर प्रोपोर्शनल टू अपर्चर डायमीटर होता है और लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखनी है तो बस इसमें आपसे रेशियो पूछा है तो पावर का रेशियो क्या आ जाएगा बाय ठीक है बाकी चीजों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब वेवलेंथ ही चेंज की है इज इक्वल टू लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो लैमडा टू ऊपर आ जाएगा लैमडा वन नीचे आ जाएगा सो so, लेडा टू कितना है यहाँ पर लेमडा टू आपके पास फाइव थाउजेंड

चेंज इन फ्रिंज विथ इज थ्री इंटू टेंट और माइनस फाइव मीटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज टैंड माइनस थ्री मीटर ये देव लेंथ द लाइट यूज विल बी मतलब यह कह रहा है कि अगर स्क्रीन को इज मूव बाय दिस टूवर्ड्स द स्लिट्स अगर स्क्रीन को शिफ्ट कर दें अपन इसका मतलब कैपिटल डी में कुछ चेंज किया है तो कैपिटल डी में अगर चेंज कर दें अपन तो उसके क्रॉसपर्डिंग फ्रिज विच जो है उसमें चेंज इतना आता है और हमसे देखा है हमको देख रहा है द स्लिट से माइनस थ्री मीटर देन द वे क्या होगी लाइट की तो फ्रिंज विथ का फॉर्मूला आपको पता है बीटा इक्वल्स टू लेमडा डी बाई स्मॉल डी होता है अगर आप बीटा में कुछ चेंज करोगे बाकी चीज़ें कॉन्स्टेंट है, है बीटा में अगर चेंज करें तो ये डेल्टा बीटा हो गया लैमडा बाई डी कॉन्स्टेंट है बेटा तो इधर की तरफ डेल्टा डी आ गया जैसे बीटा वाई हो गया और ये एक्स हो गया डी डी एक्स है तो डी वाई बराबर क्या आ जाएगा इस तरफ डी एक्स आएगा ना उसी वे से मैंने इसको इस तरफ लिख दिया है डिफरेंस लिख दिया है तो डेल्टा बीटा कितना है हमारे पास आ, दे, देखो चेंज इन द फ्रेंिंज विथ इज दिस डेल्टा बीटाइज थ्री इंटू टेंट पावर माइनस फाइव ये रख दीजिए लैमडा आपसे पूछा है डेल्टा डी डेल्टा डी कितना है देखो इतना शिफ्ट कर दिया आपने फाइव इंटू टेंट पावर माइनस टू है ना फाइव इंटू टें पावर माइनस टू है और डिवाइड में स्मॉल डी स्मॉल डी जो है वो आपको टेंट दावर माइनस थ्री दे रखा है मीटर में ये रख दीजिए बाकी सिंपल कैलकुलेशन है तो ये लैमडा की वैल्यू है तो ये आ जाएगा टेंट दि पावर माइनस थ्री उधर ले जाओ तो ट्वेंटी पावर माइनस एट आ जाएगा ये हटा दो ये माइनस सिक्स हो जाएगा फिर यहां पर ठीक है और फाइव से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा पॉइंट सिक्स तो ना पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेंटी पॉल माइनस सिक्स है ना ये लैम्डा की वैल्यू आ गई तो एंगस्ट्रोम में पूछा है तो इसको आप लिख सकते हो सिक्स इंटू लैम्डा की वैल्यू मीटर में आ गई तो सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन इसका आ जाएगा बेटा ठीक है तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ फाइव थाउजेंड इज इंसिडेंट ऑन टू स्लिट्स सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ फाइव माइनस फोर मीटर इंटरफेंस पैटर्स इज सीन ऑन द स्क्रीन प्लेस एटेंस ऑफ वन मीटर अवे फ्रॉम द्लिट्स ए थि ग्लास प्लेट ऑफ द थिकनेस इज दिस इंट्रोड्यूस ठीक है एंड ऑफ स्लिट्स एंड इफ द इंटेंसिटी प्लेट एट सेंटर ऑफ द स्क्रीन वॉज आई नोट द न्यू इंटेंसिटी ऑफ द स्क्रीन विल भी स्क्रीन के सेंटर पर हमसे नई इंटेंसिटी पूछी है यहाँ पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है देखो जब स्लैब नहीं थी तो स्क्रीन का जो सेंटर है वहां पर इंटेंसिटी कितनी आई नोट है आप ये मान के चलिए दोनों स्लिट एस वन से जो वेव्स आ रही हैं उनकी इंडिविजुअल जो वेव्स की इंटेंसिटी वो आई है तो आई अगर है तो सेंटर पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस होगा तो वहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी रूट ऑफ आई वन प्लस रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर और आई वन और आई टू को मैंने आई कंसिडर किया तो डेफिनेटली फोर आई हो जाएगा वो ठीक है मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी फोर आई हो जाएगी सो so हियर आई नोट इज इक्वल टू फोर आई तो मैं लिख सकता हूं यहां पर आई की जो वैल्यू है ना वो आई नोट बाई फोर हो जाएगी मतलब इंडिविजुअल वेव की जो इंटेंसिटी है वो आई नोट बाई फोर है अब आपको आपने एक स्लिट के आगे जो है स्लैब रख दी और आपको पता है उसके कारण शिफ्टिंग ले लेते ले ले हैं अपन न्यू माइनस वन इंटी और अगेन उसी सेंटर पॉइंट पर अगर हम बात करें ध्यान से देखना उसी सेंटर पॉइंट पर अगर हम बात करें यहां पर यह सेंटर पॉइंट है इसको मैंने शिफ्ट कर दिया पीछे की तरफ एस वन ये एस टू यहां पर है वेव इससे भी जाएगी एक इससे भी जाएगी और ओ पॉइंट पे मिलेगी ठीक है तो अब आपसे मैं ये कहूं पाथ कि डिफरेंस कितना है तो, तो, तो पाथ डिफरेंस आ, आ चुका है तो मुझे यहां पर इंटेंसिटी पता करनी है तो पाथ डिफरेंस मैं सबसे पहले फेज डिफरेंस निकालूंगा फेज डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास और फिर मैं इंटेंसिटी का फॉर्मूल लगा दूंगा आई वन प्लस टू रूट आई वन आई टू कोस डेल्टा फाइव और वहां से आपके पास इंटेंसिटी आ जाएगी बेटा तो वो हमें लगाना है तो ये पाथ रिफरेंस आपके पास आ चुका है ठीक है तो पाथ रिफरेंस इसको मैं रब कर दूं तो पाथ रिफरेंस को सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं देखते हैं कितनी वैल्यू आती है चलिए म्यू uh, की वैल्यू आपको दे रखिए माइनस वन और जो स्लैब है उस स्लैब की थिकनेस भी आपको गिवन है पावर माइनस सिक्स सही है so, यहां पर पॉइंट फाइव और वन पॉइंट फाइव है इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये कितना आएगा सेवेंटी फाइव ठीक है और टें द पावर माइनस एट ठीक है ये कुछ पाथ डिफरेंस आ चुका है यहाँ पर आई थिंक मैंने सही किया है यहाँ पर ठीक है तो पाथ डिफरेंस आ गया पाथ डिफरेंस से फेस डिफरेंस कितना आएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन क्या होता है टू पाई बाय लैम्डा इंटू में डेल्टा आर सो ये डेल्टा फाई इज इक्वल टू टू पाई बाई लैमडा एंड यर लेमडा इज़ द वेव लेंथ विच इज़ फाइव थाउजेंड एंग स्ट्रोम विच मीन्स फाइव इंटू टेंटी पावर माइनस सेवन एंड डेल्टा इज सेवेंटी फाइव इंटू टेंटी माइनस 8 इसको अगर आप कट करोगे यहाँ से तो माइनस 1 बचेगा ये ठीक है और ये आ जाएगा अगेन 15 और ये माइनस 1 है तो डिवाइड में 10 ले आओ इसको हटा दो और 5 से कट कर दो ये 2 आ गया ये 3 आ गया 2 से 2 कट कर दो तो 3 पाई आ गया देखो सो यर फेस डिफ्रेंस इज 3 पाई तो दोनों वेव्स के बीच में फेस डिफरेंस थ्री पाई का है

हंड्रेड एंगेस्ट्रोम इज वन पॉइंट नाइन जीरो भी इंपॉर्टेंट है, है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ठीक है देखो बेटा वेवलेंथ में जो शिफ्टिंग होती है ना वो डेल्टा लेमडा है और जो फ्रैक्शनल जो चेंज आता है लेमडा के अंदर डेल्टा लेमडा बाई लेमडा और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है वी बाई सी होती है वी इज द स्पीड ऑफ स्टार ठीक है स्पीड ऑफ स्टार रिलेटिवली अगर हम बात करें सी इज द स्पीड ऑफ लाइट ठीक है तो अगर वो कंपेरेबल नहीं है स्पीड ऑफ लाइट के देन आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो अगर आपको स्पीड बहुत ज्यादा नजर आ रही है स्पीड जो है स्टार की अगर बहुत ज्यादा है तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करेंगे फ्रीक्वेंसी जो होती है ना एपर फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ ब्रैकेट जैसे स्टार अगर आ, दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम कम के लिए यहां पे आ जाएगा सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी डिवाइड में ठीक है और अगर स्टार पास आ रहा है तो C प्लस वी अपॉन में C माइनस वी इस वे से आप इसको डील कर सकते हो अगर स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है देन आप यही लगाएंगे ठीक है इस चीज का जरूर ध्यान रखें और लैमडा की बात करें तो लैमडा में इसका उल्टा हो जाएगा एफ डैश की जगह आ जाएगा और एफ की जगह आ जाएगा लेमडा है ना तो लैमडा के लिए रिलेशन कुछ ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस प्लस और यहाँ पे प्लस माइनस ठीक है और लैमडा डैश के लिए क्या आ जाएगा इज इक्वल टू इस रिलेशन को उल्टा लिख दो c प्लस माइनस वी अपॉन सी माइनस प्लस वी कब जब स्पीड कंपेरेबल हो तो यहां पे ऑप्शन में स्पीड बहुत ही कम है तो इसका मतलब आप ये वाली अप्रोच लगा सकते हो तो डेल्टा लैम्डा कितना कीवन है वन पॉइंट नाइन जीरो दे रखे तो 1.90 रख दो यहां पे और लैम्डा की वैल्यू कितनी है फाइव सेवन जीरो जीरो ये रख दो v की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किलोमीटर पर सेकेंड में दे रखा था तो वो कोई इशू नहीं है थ्री इंटू टें पावर एट रख दो बेटा बस इसको बाकी थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको आ, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप हटा सकते हो चाहो तो ये हटा दो तो ये टेन टू दावर माइनस टू आ जाएगा यहाँ पर इससे कट कर दीजिए ये सिक्स आ गया ये ज़ीरो ज़ीरो हो गया है ना और नाइनटीन इंटू थ्री की बात करें तो फिफ्टी सेवन ही होता है ये थर्टी आ गया तो ये सारा कट चुका है यहाँ पर ये और कट कर दो ये फाइव आ जाएगा 3 से थ्री कट कर दो तो पावर फाइव आ गया ये टेंट दी पावर फाइव मीटर पर सेकंड है तो ये हंड्रेड किलोमीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन स्क्रीन टू मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स

ब्राइट फ्रिंज ऑफ वन इंटरफरेंस पैटर्न को इनसाइड्स विद द ब्राइट फ्रिंज ऑफ द अदर तो दोनों की ब्राइट फ्रिंज जो है ना वो कोइंसाइड कर रही है डिस्टेंस विदिन द स्लिट्स शुड बी क्या होनी चाहिए तो अगर मैं एक वेव लेंथ को कंसिडर करूँ मतलब एक एक वाली वेव को अगर मैं कंसिडर करूँ तो उसका अगर ब्राइट फ्रिंज बन रहा है सिक्स पॉइंट जीरो एम एम पे और उसका मैं मान लेता हूँ कि एन एथ ब्राइट फ्रिज वहाँ पर मिल रहा है तो मैं लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू ध्यान से देखिएगा एन लैमडा वन कैपिटल डी बाई ठीक है और दूसरे के लिए भी सेम पोजिशन पे मिल रहा है उसके लिए एम एथ में कंसिडर कर लेता हूँ एम इन टू लेमडा टू डी बाय स्मॉल डी तो वाई दोनों का बराबर होना चाहिए इसका मतलब एन लेमडा वन इज इक्वल टू एम लेमडा टू है ना ये पक्का बराबर होगा क्योंकि दोनों को इक्वल करोगे तो एन लेमडा वन बराबर एम लेमडा टू होना चाहिए एन लेमडा वन की बात करें तो ट्वेल्व थाउजेंड और लेमडा टू की बात करें टेन थाउजेंड है इसका मतलब एन इंटू ट्वेल्व आ जाएगा इधर और एम इंटू टेन आ जाएगा इधर इसको भी फर्दर कट कर दो सिक्स आ गया ये फाइव आ गया एन इंटू सिक्स बराबर एम इंटू फाइव और ये जो एन और एम है वन टू थ्री फोर फाइव इसी वे में होने चाहिए तो आप क्या करेंगे यहां पर देखिए अगर एन की वैल्यू फाइव रख दें अपन फाइव पहली बार अगर हम बात करें तो एन की वैल्यू सिक्स रखनी पड़ेगी तब जाके बराबर होगा मतलब एन बराबर फाइव हो गया और एम बराबर सिक्स हो गया हो सकता है ना ऐसा सेटलमेंट हो सकता है फिर इसका डबल कर दो डबल बोले तो यहाँ पे फाइव इंटू टू मतलब टेन हो सकता है ये बारह हो सकता है ये दस हो सकता है एन एन की वैल्यू दस और ये बारह हो सकती है इस वजह से आगे बढ़ता जाएगा तो हमें ये चेक करना है कि स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है स्मॉल डी की वैल्यू देखते हैं चलो है ना तो ऑप्शन में मैच करवाना देखना है है ना क्या पॉसिबल है वो पता करना है अपन को तो एक काम करते हैं मैं एन वाला फॉर्मूला ये वाला लगा देता हूं और इसमें वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी दे रखी है यहां पर सिक्स एम एम दे रखी है तो सिक्स एम एम राइट सिक्स इंटू टेन दी पावर माइनस थ्री तो एन की वैल्यू अगर मैं फाइव रख दूं लैमडा वन मतलब बारह हज़ार वाला रखना है आपको ठीक है बारह हज़ार एंगस्ट्रो में तो ट्वेल्व इंटू टेन पावर माइनस सेवन हो जाएगा कैपिटल डी आपको कितना दे रखा है यहां पर कैपिटल डी की है टू मीटर सॉरी टू आ जाएगा स्मॉल डी की वैल्यू हमसे पूछी है तो इस वाली क्वांटिटी को इसके बराबर करना है अपन को ठीक है तो देखिए फाइव इंटू टू टेन हो गया तो टेन होने का मतलब ये माइनस सिक्स आ गया ठीक है एंड देन सिक्स से कट कर दोगे तो सिक्स इंटू टू आ गया ठीक है और ट्वेंटी पॉल माइनस थ्री तो माइनस थ्री तो ये माइनस थ्री बचेगा तो इसका मतलब d इधर आ जाएगा तो d बराबर आ जाएगा टू इंटू ट्वेंटी पॉल माइनस थ्री टू इंटू ट्वेंट थ्री माइनस थ्री मीटर तो टू एम एम आया कि नहीं आया पॉसिबल वैल्यू पूछिए पॉसिबल की बात करें तो टू एम एम मिल रहा है इसके अंदर तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा इज इधर क्लियर अगर ये नहीं मिलता तो हमें फिर एन की वैल्यू टेन रखनी पड़ती सो नई बात और एन की वैल्यू कितनी हो जाती है ट्वेल्व हो जाती है तो उसके इसमें चेक करते अपन ठीक है तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन बन गया नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं एन अनपोलराइज बीम ऑफ लाइट इज ए ग्रुप ऑफ थ्री पोलराइजिंग शीट्स विच आर अरेंज इन सच ए वे दट द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ वन मेक एन एंगल ऑफ सिक्स डिग्री विद द एडजस्टेंट वन परसेंटेज ऑफ द इंसिडेंट लाइट ट्रांसमिटेड बाय द फर्स्ट पोलराइजर विल बी ओके द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट लाइट ट्रांसमिटेड बाय द फर्स्ट पोलराइजर फर्स्ट पोलराइजर तो फर्स्ट पोलराइजर से जो लाइट जो पास होगी उसकी परसेंटेज इंटेंसिटी क्या होगी इसने तीन पोलराइजिंग शीट को लिया है अब फर्स्ट पोलराइजर किसको आप एज्यूम करोगे जैसे ये फर्स्ट है ये सेकंड है ये थर्ड है जनरल वे में अगर हम बात करें फर्स्ट इसी को कंसीडर करेंगे फर्स्ट अगर इसी को कंसीडर करेंगे और अनपोलराइज लाइट बेटा जब इस पर इंसिडेंट होगी तो इस वे से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो इंटेंसिटी आई नॉट है जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों का पार्ट दोनों पार्ट का है ना ये कंपोनेंट का रिजल्टेंट पार्ट हमने कंसिडर कर लिया आई नॉट एंड आई नॉट बाई टू एंड आई नॉट बाई टू ठीक है तो इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस मान लीजिए तो ये वाली तो इसमें से पास हो जाएगी और ये वाली ब्लॉक हो जाएगी तो इंटेंसिटी बचेगी ही तो बचेगी तो इसका फर्स्ट मतलब जो फर्स्टर फिफ्टी परसेंट ही तो बचा है ना फिफ्टी परसेंट तो बचा फर्स्ट पोलराइजर इसको मानते तो अपन जवाब देते तो यही है तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा थर्ड आ जाएगा है ना एटीन का थर्ड तो ये था यहां पर एटींथ क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इन वाई बाय सोडियम लाइट सेटअप इंटरफ्रेंस आर एंगस्ट्रोम ऑन स्क्रीन द फ्रिज हैव एन एंगुलर विथ ऑफ जीरो पॉइंट टू जीरो डिग्री ओके नाउ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज चेंज एंड इट इज फाउंड द फ्रिंज विथ इंक्रीज बाय टेन परसेंट ओके न्यू वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज राइट तो अगर आप वेवलेंथ फाइव एट नाइन जीरोल बनाती है उसको बीटा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी बाई के होती है। तो हमको यह दे रखा है इसने की फ्रिंज हैव एन एंगुलर विथ ऑफ जीरो पॉइंट टू जीरो डिग्री ये डिग्री में है तो बट ये रेडियन में ध्यान रखना तो जीरो पॉइंट टू जीरो डिग्री दिया हुआ ना इसको रेडियन में बदलो तो रेडियन में कितना आएगा रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप पाई बाय वन एटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये रेडियन में आ गया तो ये कुछ अपन को वैल्यू दे रखी है यहाँ पर ठीक है अब क्या कह रहा था ना वेव लेंथ इज ऑफ लाइट इज चेंज एंड इज फाउंड फ्रिंज विथ इनक्रीज बाई टेन परसेंट अगर आपने वेव लेंथ को आ, जो है वो चेंज कर दिया ठीक है लैमडा को चेंज किया तो फ्रिंज विर्थ अगर टेन बढ़ गई है इंक्रीज हो गई है तो अब वाली जो बीटा होगा वो बीटा कितना हो जाएगा आ, पहले वाले बीटा का टेन मतलब बीटा बाय टेन नया वाला जो बीटा होगा वो कितना आ जाएगा बीटा बाय टेन प्लस बीटा मतलब बीटा बाय टेन प्लस बीटा मतलब इलेवन बीटा बाय टेन नया वाला और लैमडा डेस्ट चेंज हो गया डी बाय स्मॉल डी राइट यहां से डी बाय स्मॉल डी की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी बीटा बाय एलेमडा आ जाएगी ना ठीक है तो d बाय स्मोल डी की जो वैल्यू है वो बीटा बाय एलेमडा की इसकी जगह मैं बीटा बाय एलेमडा रख देता हूँ इसको हटा करके बीटा से बीटा कट गया ठीक है और बीटा बाय एलेमडा सॉरी तो बीटा से बीटा कट गया तो लैमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी लैमडा डैश बराबर आ जाएगा हमारे पास इलेवन लैमडा बाय टेन तो नई वेवलेंथ ये वाली है ठीक है द न्यू वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट ओके <laughs> तो इस क्वेश्चन में ये हमने फालतू मेहनत की इतनी इसको निकाला तो हालांकि ये कह रहा है कि बीटा जो फ्रिज बीट था उसको टेन परसेंट इनक्रीज़ किया आपने तो इसका नया वाला जो बीटा है वो इलेवन बीटा बाय टेन हो जाएगा और जो वेवलेथ है वो इलेवन लेमडा बाई टेन हो जाएगी सीधी सी बात है तो वेवलेथ इलेवन लेमडा बाई टेन तो नई वाली वेवलेथ निकालनी आपको बस कुछ नहीं करना इसमें ही रखना है आपको वन तो इलेवन बाई टेन इंटू में लेमडा कितना है फाइव एट नाइन जीरो इसको कट कर दो इलेवन को फाइव एट नाइन से आप मल्टीप्लाई करो तो नाइन आना चाहिए साइड में तो नाइन यहाँ पे आ रहा है देखो आ रहा है ना

के अंदर सामने जो स्क्रीन लेते हैं ना तो स्क्रीन की विर्थ मान लीजिए कुछ है सपोज ऑफ द स्क्रीन इज एल राइट और एक फ्रिंज की होती है बीटा और मान लीजिए कि N बन रही हैं तो जो L जो है वो एन इंटू में एन इंटू में बीटाइट तो होगा है ना एन इंटू ही तो होगा और बीटा वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ये भी जानते हैं अपन इसका मतलब एल जो है वो एन इंटू में जैसे मान लीजिए वेवलेंथ आपने लैमडा ली ले, तो उसके केस में एन वन फ्रिजेस बनी तो एन वन लैमडा वन डी और उसी सेगमेंट में उसी लेंथ में दूसरी वेवलेंथ की लाइट आपने यूज की उसमें एन टू फ्रिंजिस बन रही है तो एन टू लैमडा टू डी डी क्योंकि बाकी सारी चीजें तो चेंज की नहीं आपने तो अगर ये बराबर है तो डी बाय कट जाएगा ये सो एन वन लेमडा वन इक्वल टू एन टू टू ये वाला कॉन्सेप्ट आप बहुत आसानी से लगा सकते हो तो एन वन कितना देखो बारह है ट्वेल्व और लैमडा कितना है सिक्स हंड्रेड नैनोमीटर सिक्स हंड्रेड नैनोमीटर बराबर एन टू पता करना है और ये कितना है 400 हंड्रेड नैनोमीटर फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ये कैंसिल हुआ ये चार से कट करो थ्री एंड सिक्स इंटू थ्री एटीन तो एन टू इक्व टू कितना है एटीन आ गया हमारे पास ठीक है तो आंसर इज सेकेंड करेक्ट काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आइए टू इंक्रीज एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप वन शुड इंक्रीज सिंपल माइक्रोस्कोप का अगर आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन चेंज करना है सिंपल माइक्रोस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है एम बराबर थीटा बाई थीटा नोट जिसको हमने लिखा था डी बाई यू आपको यू को डिक्रीज करना पड़ेगा लेकिन यू का मतलब नहीं होता यहां पर आप जो इमेज देख रहे हो ना वो इमेज कितना डिस्टेंस पर है तो वन अपॉन यू की जो वैल्यू है ना वन अपॉन यू की वैल्यू वी पे डिपेंड करती है अगर आपको इनफाइनाइट पे देखना है इमेज तो इनफाइनाइट पे देखने के लिए इसमें एम इनफिनिटी लिखा होता है तो एम इनफिनिटी बराबर डी अपॉन में एफ आ जाता है और अगर आपको 25 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे देखना होता है तो उस केस में इस मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है एंगुलर एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है कैपिटल डी पे अगर आपको देखना है तो वन प्लस डी बाई एफ के बराबर आ जाता है तो अल्टीमेटली अगर आप देखो तो एफ पर डिपेंड कर रहा है ठीक है क्योंकि इमेज जो देखनी है ना उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पे जवाब दिया है तो ये एम इन्फिनिटी डी बाई एफ होता है और एम डी वन प्लस डी बाई एफ होता है बेटा अब आप देख लीजिए अगर आपको एम को इंक्रीज करना है सीधी सी बात है आपको एफ को डिक्रीज करना पड़ेगा एफ डिक्रीज होगा कम होगा एम बढ़ जाएगा एफ डिक्रीज होने का मतलब जो ऑप्टिकल पावर होती है लेंस की वो वन बाय एफ होती है ना तो एफ अगर डिक्रीज होगा सीधी सी बात है वन बाय इंक्रीज हो जाएगा ऑप्टिकल पावर की टर्म्स में लिखे तो इसको क्या लिख सकते हो डी इंटू पी लिखोगे ना और इसको क्या लिख सकते हो वन प्लस डी इंटू पी पी बढ़ाओगे तो एम भी बढ़ जाएगा तो लेंथ आपको किक्स को बढ़ाना चाहिए बताइए लेंथ को बढ़ाना है नहीं घटाना पड़ेगा पावर ऑफ द लेंस यस बढ़ा सकते हो अपर्चर ऑफ द लेंस इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है ऑब्जेक्ट साइज नहीं इसका तो पावर ऑफ द लेंस जो है वो अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसिस आई विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कॉन्स्टेंट ठीक है अगर आपकी आई के सामने कोई ऑब्जेक्ट है अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को अगर हम चेंज करें तो उसकी इमेज कहां पे बनती है रेटिना पे तो बनती है आई के और रेटिना

ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आईलेंस इमेज डिस्टेंस फ्रॉमेंस फोर्थ ऑप्शनिंग डज नॉट चेंज अगर लाइट रिफ्रैक्ट होती है कौन सी क्वानिटी चेंज नहीं हो सकती रिफ्रैक्शन केस के में हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है रिफ्रैक्शन केस में हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट पे इफेक्ट पड़ता है म्यू हो जाता है ठीक है फ्रीक्वेंसी बेटा सोर्स पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली चेंज हो सकता है है ना एम्पलीटूड होता है चेंज होता है तो सेकंड वेवलेंथ चेंज हो सकती है स्पीड तो चेंज होती है वेवलेंथ भी चेंज होती है एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है सेकंड ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट हो जाएगा हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर यंग्स डबल सेट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विद वाइट लाइट फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट अपन से पूछा है व्हाइट लाइट को अगर आप वाईडीसी uh, के अंदर कंसिडर करेंगे तो उसके इसमें जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो वाइट बनेगी क्योंकि उसमें सेवन कलर्स के जो हैं वो मैक्सिमम मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा तो सेवन कलर को अगर आप इंपोज कर दोगे तो डेफिनेटली व्हाइट कलर ही नजर आएगा अपन को सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो व्हाइट बनेगी उसके बाद में जो नेक्स्ट जो जो मैक्सिमम मिलेगा या जो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी वो किसकी मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जो स्पेक्ट्रम है तो अगर आप देखो तो विबजोर राइट रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है वॉयलेट की सबसे कम होती है और फ्रिंज में अगर, अगर अपन ये देखें कि फर्स्ट ऑर्डर जो मैक्सिमा है वो पहले किसका आएगा या उसकी लोकेशन y की बात करें तो y बराबर एन लेमडा डी बाई स्मोल डी एन की वैल्यू वन लैमडा डी बाई स्मोल डी लेमडा जिसका ज़्यादा होगा उसके लिए y ज़्यादा होगा तो रेड का y ज़्यादा होगा और वॉयलेट का y कम होगा तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिज के बाद में कौन सी बनेगी वॉयलेट बनेगी एंड लास्ट वाली क्या बनेगी राइट बनेगी अगर हम इंडिविजुअली अगर वेव की बात करें तो ठीक है तो इसमें हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो फर्स्ट तो करेक्ट हो गया देर विल बी नॉट बी ए कंप्लीटली डार्क फ्रिज यस कंप्लीट डार्क फ्रिंज नहीं मिलेगी क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैक्सिमा मिल रहा है किसी ना किसी वेव के लिए ठीक है तो वहाँ हो सकता है किसी वेव का मिनिमा भी हो लेकिन मैक्सिमा और मिनिमा मतलब तो डिफरेंट वेव के लिए अगर एक ही पॉइंट में मिले तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली लाइट तो दिखेगी तो डार्क तो मिलेगा नहीं अपन को द फ्रिंज नेक्स्ट टू द सेंट्रल विल बी रेड नहीं द फ्रिंज नेक्स्ट टू द सेंट्रल विल बी वॉयलेट ये सही है तो इसका मतलब इनकरेक्ट कौन सा बेटा थर्ड हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले यस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वाट लेंथ शुड बी द रीडिंग स्पेक्टिकल्स हैव फॉर ए पर्सन फॉर वैन द लीस्ट डिस्टेंस विजन इज फिफ्टी सेंटीमीटर तो अगर एक बंदे के लिए अगर लीस्ट डिस्टेंस विजन या कह सकते हो कि जो नियर पॉइंट है अगर फिफ्टी सेंटीमीटर पर है तो उसको कौन सा लेंस लेंथ जो है यूज करना चाहिए ठीक है और उसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए वो अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं देखो अगर दूर की नजरें खराब है मतलब दूर की चीजें अगर साफ नहीं दिख रही हैं ठीक है थीके? तो उसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस और नजदीक वाली चीजें अगर साफ नहीं दिखती है उसको बोलते बोलतेडनेस फार साइटेडनेस फार साइटेडनेस के लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है है ना तो इस बंदे के लिए जो जो नियर पॉइंट है ना वो शिफ्ट हो चुका है 50 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो चुका है राइट तो इसके लिए हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा कॉन्वैक्स लेंस यूज करना पड़ेगा ठीक है इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है देखिए तो ये जो आई है आई लेंस के पास में एक लेंस आपको यूज करना है ठीक है ऑब्जेक्ट जो है वो आपने कहां पे रखा 25 सेंटीमीटर पर तो इसकी जो इमेज है इस लेंस के कारण कहां पे बन जाए 50 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो जाए क्योंकि इसका नियर पॉइंट जो है वो 50 सेंटीमीटर पे चला गया तो इसलिए उस लेंस की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए जो इसको लेंस को ये लगाना है इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए तो आप क्या लगा दोगे वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वस टू वन अपॉन एफ फॉर्मूला वन अपॉन वी वी इंसिडेंट की अपोजिट है जो कि फिफ्टी मतलब माइनस फिफ्टी हो जाएगा माइनस वन अपॉइंट यू यू की बात करें तो माइनस का ट्वेंटी फाइव आ जाएगा इज इक्वल टू वन एफ तो ये प्लस हो गया वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव माइनस वन फिफ्टी तो एक बड़ा पच्चीस माइनस एक बड़ा पचास कितना आ जाएगा वन बाई फिफ्टी आ जाएगा सो द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज़ फिफ्टी सेंटीमीटर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर टेलीस्कोप आर टू मीटर एंड फाइव सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली फाइनल इमेज फॉर्म एट एक तो आपको इन्फिनिटी पे इमेज बनानी है और एक जो नियर पॉइंट है या कह सकते हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कैपिटल डी डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म करनी है ठीक है तो इन दोनों केसेस के लिए आपको मेन जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो याद रखने होंगे इंफिनिटी के लिए मैग्नीफाइंग पावर होती है कैपिटल एम इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई और अगर कुछ भी ना दे रखा हो ना तो आपको ये चीज अप्लाई करनी होती है ठीक है दूसरा अगर आपको कैपिटल डी डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म करने के लिए बोले ठीक है तो आप ये अप्रोच लगा सकते हो एफ नोट ब्रैकेट वन अपॉन वी ई प्लस वन अपॉन एफ ई ठीक है वी क्या है जहां पे इमेज आपको देखनी है अब अगर इमेज मुझे डी डिस्टेंस पे देखनी है तो वी की वैल्यू डी रख दो ठीक है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो यहां मैंने डी रखा है या नॉर्मली सिंपली एम लिख सकते हो आप तो अगर डी डिस्टेंस पे देखना है तो वीई को रख दोगे आप कैपिटल डी के इक्वल राइट तो मेन फार्मला यही है और अगर आपको इन्फिनिटी भी देखना है तो वी इन्फिनिटी हो जाएगा तो वन अपन इफिटी जीरो जाएगा तो एफ नॉट बाय एफ ई आ जाएगा तो मेन फॉर्मूला यही है आपके पास ठीक है तो सबसे पहले ये पूछा कि इन्फिनिटी पे देखना है तो बताइए वैल्यू कितनी है तो एफ नॉट कितना है टू मीटर है और एफ ई कितना है फाइव सेंटीमीटर टू मीटर बोले तो टू हंड्रेड सेंटीमीटर तो एम इनफिनिटी कितना आएगा इस केस में एम इनफिनिटी इज इक्वल टू टू हंड्रेड बाई फाइव इससे कट करोगे कितना आएगा फोर्टी आ जाएगा तो इनफिनिटी केस में एम की वैल्यू फोर्टी आ गई और अगर कैपिटल डी डिस्टेंस के लिए बात करें तो एम डी कितना आएगा देखिए एम डी आ जाएगा एफ नोट मतलब टू हंड्रेड वन अपॉन वी कहां पे देखना है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पर तो वी की वैल्यू डी के बराबर ट्वेंटी फाइव प्लस वन अपॉन एफ ई एफ ही फाइव है फाइव रख दो फाइव से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो यहाँ फाइव आ जाएगा फाइव प्लस वन सिक्स ये ट्वेंटी फाइव है ट्वेंटी फाइव एल आ जाएगा इसे काटो तो ये एट आ गया एट इंटू सिक्स मतलब फोर्टी एट तो डी डिस्टेंस के, के केस में जो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ फोर्टी एट आएगा और इन्फिनिटी केस में फोर्टी आ गया तो इसमें आंसर यही देखना है कि फोर्टी एंड फोर्टी एट कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है फोर्थ ऑप्शन ठीक है इसमें सबके आगे माइनस यूज कर रखा है क्योंकि फाइनल इमेज कैसी होती है इन्वर्टेड होती है उस केस में यहाँ पे माइनस यूज़ कर रखा है राइट बेटा तो बाकी ठीक है वैल्यू सेम आ रही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें इफ द रेश ऑफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई सिंपल माइक्रोस्कोप इन नियर पॉइंट एडजस्टमेंट एंड फार पॉइंट एडजस्टमेंट इज सेवन बाई फाइव द फोकल एन ऑफ द लेंसिस देखो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के केस में जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसका मैग्नीफाइंग पावर है ना कैपिटल एम की वैल्यू होती है डी बाई एफ ठीक है अगर आपको इन्फिनिटी की केस की बात करनी है ठीक है

तो आप यहाँ पे एल्सियम ले लेंगे ये एफ प्लस डी हो जाएगा इस तरफ डिवाइड में एफ कट जाएगा ये डी आ गया बराबर सेवन बाई फाइव क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए फाइव एफ प्लस फाइव डी बराबर सेवन डी सो फाइव एफ इज इक्वल टू टू डी करेक्ट टू डी देन एफ इज इक्वल टू टू डी फाइव तो टू डी बाई फाइव एंड डी की वैल्यू ट्वेंटी फाइव होती है इसको सॉल्व करें तो ये फाइव फाइव इन टू टेन तो फोकल लेंथ ऑफ इज टेन्स सेंटीमीटर लेकिन हमसे क्या पूछा था मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज सॉरी ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए पिछला क्वेश्चन में चलते हैं हम्म तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी इस केस में लेंस की फाइव सेंटीमीटर सॉरी टेन सेंटीमीटर तो सेकंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ट्वेंटी एट्थ इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंस आर वन पॉइंट टू सेंटीमीटर एंड थ्री सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली and the object is put 1.25 cm away from the objective lens, and the final image is formed at infinity. The magnifying power of the microscope is theek hai dekho ठीक है देखो माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है उसको हम लिखते हैं v नॉट अपॉन u नोट ठीक है इन टू डी बाय से ठीक है डी बाई यू से और अगर आपको इन्फिनिटी पे देखना है तो उस केस में यू ई e की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है एफ के इक्वल हो जाती है ठीक है देन हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर आ जाती है माइक्रोस्कोप की इन्फिनी केस के लिए ठीक है वी नॉट अपॉन यू नोट इंटू डी बाय एफ ई ठीक है ये सिम जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना उसकी मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी हमें यहाँ पे डी पता है डी कितना है एफ ई भी इवन पता है थ्री सेंटीमीटर ये भी रख देंगे अपन लेकिन और यू नॉट भी पता है वन पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर लेकिन वी नॉट मालूम नहीं है वी नॉट हम निकाल सकते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उस ऑब्जेक्टिव लेंस से वन पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर दूर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो जो इमेज बनती है वो वी नॉट डिस्टेंस में बनेगी रियल बनती है इन्वर्टेड होती है ठीक है ये हम जानते हैं इंटरमीडिएट जो इमेज होती है तो वन अपॉन वी नॉट पॉजिटिव आएगा क्योंकि इंसिडेटर की डायरेक्शन में रियल बनती है ना इमेज माइनस वन अपॉन यू नॉट नॉट यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नॉट की वैल्यू कितनी है वन पॉइंट टू फाइव इज इक्वल टू वन अपॉन एफ एंड हियर एफ इज वन पॉइंट टू फोकलेंथ पॉजिटिव क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है सो वन अपॉन वी नॉट इज़ इक्वल टू वन अपॉन वन पॉइंट टू माइनस वन अपॉन वन पॉइंट टू फाइव इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अपन वन पॉइंट टू इंटू वन पॉइंट टू फाइव ठीक है और ऊपर आ जाएगा पॉइंट टू फाइव माइनस वन पॉइंट टू तो इसमें सब्टेक्ट करेंगे आप तो वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो पॉइंट जीरो फाइव ठीक है इसको आप रिमूव कर दें यहाँ से पॉइंट को फाइव से कट कर दो तो ये आ जाएगा ट्वेंटी फाइव ठीक है देन वी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई वी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 फाइव इंटू वन पॉइंट टू तो ये वी नॉट की वैल्यू यहाँ रख दूंगा मैं 25 फाइव अपॉन में इंटू में वन पॉइंट टू और यूनोट की जो वैल्यू है वन पॉइंट टू फाइव है ये अगेन रख दो यहां पर कैपिटल डी की वैल्यू ट्वेंटी फाइव है ये रखना पड़ेगा और यू ई की जो वैल्यू है वो जो एफ ई e के बराबर हो जाएगा और एफ ई e की वैल्यू हमें कितनी दे रखिए थ्री तो ये थ्री वैल्यू यहाँ रख देंगे अपन ठीक है तो ये पॉइंट हटा करके यहाँ पे हंड्रेड ले आएंगे अपन ये आ जाएगा फाइव फाइव से कट कर दो फाइव आ गया इधर ठीक है देन फर्दर इससे तीन से कट कर दो पॉइंट फोर आ गया ठीक है पॉइंट फोर इंटू फाइव कितना आ जाएगा टू आ जाएगा एंड टू इंट हंड्रेड मतलब टू हंड्रेड तो मैग्नीफाइंग पावर इस केस में माइक्रोस्कोप का कितना आ जाएगा टू हंड्रेड है ना तो बेसिक जो फॉर्मूलाज है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया टेलीस्कोप हो गया ये फॉर्मुलाज आपको याद होने चाहिए ताकि ता आप ताकि आप जल्दी से क्वेश्चन को कर सके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इन इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इंटरमीडिएट इमेजेस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इंटरमीडिएट इमेज होती है वो रियल होती है ध्यान रखो इन्वर्टेड होती है ठीक है रियल इन्वर्टेड ठीक है एंड ऑब्वियसली मैग्नीफाइड भी होती है क्यों क्योंकि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव है ये ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो फोकस के लगभग पास ही होता है ठीक है, लगभग पास लेकिन एफ और ओ के बीच में नहीं होता F एफ सिर्फ अवे होता है लेकिन लगभग पास होता है तो जो इमेज बनती है ना इस केस में वो मैग्नीफाइड होती है बड़ी होती है इन्वर्टेड होती है और रियल भी होती है ठीक है रियल इनवर्टेड एंड मैग्नीफाइड तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए सिंपल टेलीस्कोप इज इन करेक्ट तो एक टेलीस्कोप उसके लिए इन करेक्ट स्टेटमेंट देखना है द ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म ए रियल इमेज यस रियल इमेज फॉर्म करता है ऑब्जेक्टिव द आई पीस एक्स एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास क्या मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव करता है डेफिनेटली करता है द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज शॉर्ट ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है एम बराबर एफ नोट बाई एफ ही होता है ना तो एफ नोट की वैल्यू ज़्यादा होती है भाई है ना तो थर्ड ऑप्शन इसका इनकरेक्ट क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो थर्ड ऑप्शन इसका इनकरेक्ट हो जाए इसके अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया और क्या पूछा फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड यस ऑब्वियसली सिंपल जो टेलीस्कोप होता है उसमें फाइनल इमेज इवर्टेड होती है ये भी सही है तो इसके फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो है वो करेक्ट है थर्ड क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा ठीक है टेलीस्कोप के अंदर जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे लाइट रे जो आती है, है ना इनफाइनेट से वो फाइनली पे कन्वर्ज होती है फोकस पे तो ये रियल इमेज बनती है यहां पे है ना और फिर यहां पर आप जो है वो आईपीस लेते हो आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट है ये इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है राइट तो इससे जो लाइट रे जाएंगी वो फाइनली डाइवर्ज होती हैं एंड देन पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पर आपको यहां पर इमेज नजर आती है वो इमेज वर्चुअल नजर आती है इनवर्टेड भी होती है ठीक है तो इसका इनकरेक्ट जो है वो थर्ड हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज तो कैपिटल एम को अगर आपको इंक्रीज करना है टेलीस्कोप के लिए तो क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हो देखिए बाय इंक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ बोथ लेंसेज बाय फिटिंग आई पीस ऑफ हाई पावर बाय फिटिंग आई पीस ऑफ लो पावर बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यस अब आप सोच सकते हो कि मैग्नीफाइंग पावर जो होती है जनरल केस के अंदर कैपिटल एम बराबर एफ नॉट बाय एफ ई होता है सही है तो अगर आप दोनों फोकल लेंथ को इंक्रीज़ करोगे तो रेशियो देखी देखा जाए तो रेशियो हो सकता है मेंटेन हो जाए तो फर्स्ट को नहीं कह सकते अपन बाय फिटिंग आई पीस ऑफ हाई पावर आप देख सकते हो वन अपॉन जो एफ ई आएगा वन अपॉन एफ ई वो आई पीस जो है उसका पावर हो जाएगा मतलब एफ़ नॉट इंटू में पी ई लिख सकता हूँ मैं तो अगर आपको मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज़ करनी तो पी ई आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा है ना तो आई पीस का मतलब अभिनेत्र लेंस जो है उसकी अगर शक्ति अगर बढ़ा दी जाए तो डेफिनेटली मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाया जा सकता है तो इसमें सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें ए प्लेनेट इज ऑब्जर्व बाय एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हैविंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल एंड सिक्सटीन मीटर एंड आई पी ऑफ़ फोकल एंड टू सेंटीमीटर देन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट ओके नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए अगर हम बात करें तो क्या पूछा इसने द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेटिव एंड द आई पी सी सिक्सटीन पॉइंट जीरो टू नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है इन्फाइनट पर आपको रिलेक्सड मोड में आपको इमेज देखनी है ठीक है तो उस केस में डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पी सी सिक्सटीन पॉइंट जीरो टू बहुत ही सिंपल सी चीज़ है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव और आईपीस के जो बीच की जो लेंथ होती है वो एफ नोट प्लस एफ ई होती है और एफ नोड और एफ ई -E का सम करेंगे तो 16 मीटर है वो 2 सेंटीमीटर है तो अगर 16 में 2 सेंटीमीटर को अगर मैं ऐड कर भी दूं तो यहाँ पर कितना आएगा देखिए 16 मीटर है राइट तो 16.0 एंड सेंटीमीटर की बात करें तो ये आ जाएगा ज़ीरो राइट तो ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो सिक्सटीन मीटर इसका आंसर आ जाएगा है ना तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है सेकंड देखिए द एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ द प्लानट इज माइनस एट तो क्या एंगुलर मैग्निफिकेशन इतना होगा एंग्लोर मैग्नीफिकेशन के लिए आपको एफ नोड बाई एफ ई करना पड़ेगा एफ नोड की वैल्यू कितनी है सिक्सटीन मीटर है सिक्सटीन मीटर बोले तो सिक्सटीन सेंटीमीटर बाय टू तो इसको कट करोगे तो एट्टीन एट हंड्रेड आ गया है ना तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इज माइनस एट हंड्रेड ये भी ठीक है आगे देखिए द इमेज ऑफ द प्लैनिट इज़ इन्वर्टेड यस फाइनल इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगी इसमें भी कोई इशू नहीं है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है मतलब सारे इसमें करेक्ट हैं बेटा चलिए थर्टी फोर पे मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनिकल टेलीस्कोप इज कैपिटल जो नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है इन्फिनिटी वाला जो केस होता है एम इन्फिनिटी वो एफ नॉट अपॉन एफ ही होता है और जो कैपिटल डी डिस्टेंस की बात करें तो वैल्यू आती है एफ नॉट ब्रैकेट वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन एफ ई ये वाली वैल्यू है ना इससे ग्रेटर होती है मिनिमम वैल्यू यही होती है तो ये कह रहा है मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर जो है वो कैपिटल एम है इसकी वैल्यू को कैपिटल एम लिखा है है ना एंड इफ द फोकल लेंथ ऑफ आई पी सी इज हाफ आई पी सी ये वाला है फोकल लेंथ अगर इसको हाफ कर दिया जाए एफ ई बाई टू कर दिया तो सीधी सी बात है एम डबल हो जाएगा एफ ई बाई टू टू ऊपर चला जाएगा तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो जाएगी टू एम हो जाएगी ठीक है तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था

मिनिमा से पता लगाया जाता है ठीक है सेंट्रल मैक्सिमा की विथ का मिनिमा से पता लगाया जाता है और मिनिमा के लिए एंगुलर पोजिशन जो होती है थीटा उस थीटा को अगर आप देखें तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा और एन क्या रखोगे यहां पे मिनिमा के लिए वन रखोगे तो लैमडा आ गया तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बाय ए आ गई साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाय है ना एंड इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है थीटा इज इक्वल टू लेडा बाय आ गया तो विथ एंगुलर विथ की बात करें टू थीटा होती है सेंट्रल मैक्सिमा की तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अपन ये एंगल आ गया और एंगल क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस एंड सपोज दिस डिस्टेंस इज डब्ल्यू बाय डी सो दिस कैन बी रिटन एज डब बाय कैपिटल डी राइट इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू टू लैमडा कैपिटल डी बाई स्मोले दिस इज दिथ ऑफ सेंट्रल मैग्जीमा थीटाइज स्मॉल तो अगर आपने ए जो स्लिट विथ है उसको अगर हाफ कर दिया देखिए हाफ कर दिया जाए हाफ कर दें तो टू ऊपर चला जाएगा है ना तो जो सेंट्रल मैक्सिमम उसकी विथ क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी विथ तो सेंट्रल मैक्सिमम बिकम्स डबल तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले इन द्रंट ऑफ अ डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए सिंगल स्लिट इलिमिनेटेड बाई पोलिक्रोमेटिक लाइट द फर्स्ट मिनिमम विद वेवलेंथ वेवल्थ लेन इज फाउंड टू बी कोइंसिडेंट विद द थर्ड मिनिमम एट लैमडा टू तो फर्स्ट मिनिमम जो है मतलब फर्स्ट मिनिमा ऑफ लेमडा वन इसका मतलब फर्स्ट मिनिमम ऑफ लेन तो एंगुलर पोजिशन तो सेम रहेगी ना तो साइन थीटा फॉर फर्स्ट मिनिमा क्या आएगा बाई ए सही है इज फाउंड टू बी कोइंसिडेंट विद द थर्ड मिनिमम एट लेमडा टू तो एंगल मतलब कोइंसाइड करेगा मतलब एंगुलर पोजिशन सेम होनी चाहिए इसका मतलब थर्ड मिनिमम तो एन की वैल्यू थ्री रखोगे थ्री लैमडा टू बाय ए सिंपल ये तो स्लिट फिट तो सेम ही है ना दोनों केस के लिए द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेवलेंसिज तो ए कट जाएगा लैमडा वन इक्वस टू थ्री लैंडा टू आ गया ठीक है तो लैमडा वन इक्वस टू थ्री लैंडा टू बेटा इसके अंदर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो काफी सिंपल क्वेश्चन था ये भी इस टाइप के क्वेश्चन नीट में आते हैं बेटा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं टू कोरेंट लाइट सोसेज पी एंड क्यू ईच ऑफ वेवलेंथ वेवलेंस आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस थ्री लेमडाइज शोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमा फॉर्मड ऑन लाइन ए बी विच रन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटीज तो थोड़ा गौर से देखिएगा पी और क्यू सोर्स हैं एस वन और इनका जो जो वेवलेंथ है जो वेव्स इनसे इमिनेट होगी दोनों के लिए लैमडा है राइट और एक ऑब्जर्वर है जो कि ए से बी पे मूव करेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए तो ये देखना है कि इसको कितने मिनिमा ये ये देखेगा तो अगर इन्फिनिटी पे चले जाएं जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ इस डायग्राम को ध्यान से देखना ये P है और ये Q है तो अगर मैं इन्फिनिटी पे चला जाऊँ ठीक है तो इससे वेव आएगी और इससे इस इस पी से भी वेव आएगी तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना आएगा थ्री लेमडा आएगा तो इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिटी पे थ्री लेमडा पाथ डिफरेंस इसका मैक्सिमम मिलेगा और सेंटर पे यहां आ जाए तो पार डिफरेंस कितना आएगा दोनों के लिए इससे वेव आएगी इससे वेव आएगी तो पार डिफेंस यहां पे जीरो हो जाएगा तो जीरो और इनफिनिटी पे थ्री लेमडा है माइनस इन्फिनिटी तो इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं मिनिमा भी आएंगे तो यहां बीच में लैमडा भी आएगा कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं टू लैमडा भी आएगा पार डिफरेंस तो जीरो और लैंडा के बीच में लैमडा बाई टू आएगा इसके बीच में 1.5 पॉइंट आएगा इसके बीच में 2.5 पॉइंट आएगा एंड देन लास्ट में 3 लेडा आएगा मिनिमा के लिए ये वाला पॉइंट ये वाला और ये वाला इसका मतलब थ्री मिनिमा मिलेंगे कन्फर्म है जीरो से माइनस इन्फिट के बीच में सेम पैटर्न ऊपर भी बन जाएगा तो थ्री ऊपर भी मिलेंगे थ्री एंड थ्री कितने हो हो गए गए तो नंबर ऑफ पे इस केस में कितना आ जाएगा? आ जाएगा जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट अगर आपसे ये पूछे कि मैक्सिमा कितने मिलेंगे वो भी बता सकते हो देखो देखो जीरो को एक बार एक्सक्लूड करो लैमडा टू लैमडा एंड थ्री लैमडा थ्री मैक्सिमा नीचे ऐसे थ्री मैक्सिमा ऊपर और सेंटर वाला जीरो वाला भी आ जाएगा तो सेवन मैक्सिमा मिलेंगे और सिक्स मिनिमम मिलेंगे यहां पर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले पर्सन विद ए डिफेक्टिव आइस साइट जो भी है इज यूजिंग ए लेंस हैविंग ए पावर ऑफ प्लस टू डी द लेंस ही इज यूजिंग इज देखो पावर अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली लेंस कैसा है कॉन्वेक्स लेंस है और सिंपल सी बात है पावर अगर, अगर आपको गिवन है तो फोकल लेंथ आ जाएगा वन अपॉन पी वन अपॉन पी बोला जाए तो टू पावर क्या है टू डायवेक्टर है ना तो टू तो यह वैल्यू कितनी आ जाएगी और इसको सेंटीमीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि मीटर में आएगा ये तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी फाइव फिफ्टी फिफ्टी सेंटीमीटर और मीटर में चाहिए

देखो वाई डी आप जो परफॉर्म कर रहे हो इसके अंदर ये क्या कह रहा है इस तरीके से आपने अरेंज कर रखा है दैट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के अलावा देर इज ओनली वन ब्राइट फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ इट है ना दोनों तरफ एक ही ब्राइट फ्रिंज आपको मिलेगी तो इसके लिए स्लिट सेपरेशन डी फॉर द गिवन कंडीशन कैन नॉट बी डी की वैल्यू क्या नहीं हो सकती ये पूछा आपसे तो थोड़ा गौर से देखना ये आपके पास दोनों स्लिट्स हैं ये स्क्रीन है सेंटर पे तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी बनेगी और अगर मैं इन्फिनिटी वाला केस लूं है ना इन्फिनिटी वाला केस लूं तो पाथ डिफरेंस जो है इन्फिनिटी पर एग्जैक्टली exactly डी के बराबर आएगा यह भी कंफर्म है है ना तो डी के बराबर आएगा और डी जो है अगर लैमडा के बराबर लिख दें तो इन्फिनिटी पे एक ही फर्स्ट वाली मिलेगी अपन को इफ डी इज अ लैमडा देन इन्फिनिटी पे अपन को फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी उसके बाद में और कुछ नहीं मिलेगा और उसके बीच में कोई भी ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज नहीं होगी जीरो ऑर्डर के छोड़ करके कोई नहीं मिलेगा अपन को इसका मतलब जो डी है है ना डी की वैल्यू अगर मैं एग्जैक्टली लेमडा लिख दूं तो इनफिनिटी पे फर्स्ट मिल गया और और अगर मैं अगर लैमडा से ज्यादा लिख दूं टू लैमडा लिख दूं तो टू लेमडा लिखने का मतलब है इनफिनिटी पे टू लेमडा वाला मिलेगा और जीरो और टू लेमडा के बीच में कहना है लैमडा वाला मैगजिम भी मिलेगा तो फिर तो दो हो जाएंगी तो हमें दो से बचाना है केवल एक ही रखना है इसका मतलब डी की जो वैल्यू है वो लेस देन लेस देन होनी चाहिए ना टू लेमडा अगर डी की वैल्यू लेस देन टू लैमडा होगी तो डेफिनेटली फिर ए ही मिलेगा अपन को लेमडा वाला मिलेगा और नहीं मिलेगा इसका मतलब डी शुड बी लेस देन टू लैमडा टू लेमडा से कम होना चाहिए इस चीज को आपको बस देखना है यहां पर ठीक है और वो अगर आप देखो तो देखो कौन सा नहीं हो सकता वो पूछा है तो नाइन लैमडा बाई एट फाइव लैमडा बाई फोर थ्री बाई टू राइट एंड लैमडा बाई टू तो लैमडा बाई टू अगर करें तो अगर आपसे कि बाई टू करें तो तो पार डिफरेंस अगर रख दिया जाए इन जा दोनों, तो, तो दोनों तो right? तो मतलब तो मतलब के तो नहीं तो है पहला मैक्सिमा भी नहीं मिलेगा इधर, इधर केवल मिनिमा मिलेगा वो भी इन्फिनिटी पे फर्स्ट मिनिमा राइट तो मतलब लैमडा बाई टू डेफिनेटली सही है फाइव लेमडा बाई फोर वन पॉइंट टू है मतलब ये सही है पॉसिबल है।, है कोई दिक्कत नहीं इसमें थ्रीडा बाई टू ये भी सही है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब इसके right तो यहां से डी की जो वैल्यू है ना लेमडा से तो क्या होनी चाहिए ग्रेटर होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले ए डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूसिस इंटरफ्रेंस फ्रिजिस दैट आर जीरो पॉइंट टू फाइव डिग्री अपार्ट यूजिंग वेवलेंथ सिक्स हंड्रेड नैनामीटर ठीक है इफ एंगुलर सेपरेशन इज इंक्रीज टू जीरो पॉइंट थ्री डिग्री बाय चेंजिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज द न्यू वेवलेंथ मस्ट बी है ना तो डबल स्लीट अरेंजमेंट में इंटरफ्रेंस <coughs> पैटर्न में जो फ्रिजेस बन रही हैं वो जीरो पॉइंट टू फाइव डिग्री अपार्ट है मतलब एक्चुअल में देखा जाए ये एंगुलर फ्रिंज विट थी आपको दे रखी है बीटा थीटा की वन है

बीटा थीटा की वैल्यू है जीरो पॉइंट थ्री डिग्री ज़ीरो पॉइंट थर्टी ले सकते हो आप इसको ठीक है जीरो पॉइंट थर्टी इंटू में पाई बाय वन एटी ये लेमडा वन मान लीजिए ये लेमडा टू हो गया बाई डी डी तो सेम ही रहेगा दोनों को अगर आप डिवाइड कर दो तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा ट्वेंटी फाइव बाय थर्टी आ जाएगा इस तरफ और इस तरफ आ जाएगा लेमडा वन बाय लेमडा टू लेमडा वन कितना है सिक्स हंड्रेड नाइनोमीटर है लेमडा टू आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर ठीक है इससे फाइव से कट कर दो ये फाइव आ गया ये सिक्स आ गया ठीक है देन फर्दर इसको लैमडा टू की वैल्यू निकालनी है आपको तो सिक्स इंटू सिक्स हंड्रेड अपन में फाइव आ गया फाइव से अगेन कट कर दीजिए आप इसको सिक्स इंटू वन टू जीरो राइट तो ये वन टू जीरो वन टू जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा जीरो टू सेवन है ना तो सेवन ट्वेंटी नैनोमीटर इसका आंसर आ जाएगा ना तो एंगुलर फिंसविट से रिलेटेड ये प्रश्न था तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से ये पता लग रहा था तो तो बीटा थीटा पर भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बीटा पर भी फ्रेम होते हैं ये चीज जरूर आप ध्यान रखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ द द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा एंड फिफ्थ मिनिमा ऑफ़ डबल स्लिट पैटर्न ओके इज सेवन मिलीमीटर एंड द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई जीरो सिंपल देखिए फर्स्ट मैक्सिमा और फिफ्थ मिनिमा सबसे पहले मैं बात करता फिफ्थ मिनिमा के लिए लोकेशन कितना आएगा तो आप। फाइव आप तो रख दू माइनस वन ठीक है lambda, D 2D. से क्या घटाना है आपको इस वाले पार्ट को रिमूव कर देता हूं मैं ना इसमें से क्या सबरेक्ट करना है फर्स्ट मैक्सिमा वाला लोकेशन तो फर्स्ट मैगजिमा वाली लोकेशन को अगर मैं सब्टेक करूं मैक्सिमा के लिए क्या होता है एन लेटल डी तो एन की वैल्यू क्या रखोगे वन लेल डी बाई स्मॉल डी ये सब्टेक करोगे तो ये सेपरेशन आ जाएगा और सेपरेशन कितना दे रखा सेवन एम एम दे रखा आपको दिस इज सेवन एम एम मतलब सेवन इंटू ट्वेंटी पॉवर माइनस थ्री तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं देखिए बराबर ये कितना आया टेन माइनस वन नाइन नाइन लेमडा बाई टू डी एंड टू का अगर आप एल्शियम रोगे ठीक है तो टू डी आ जाएगा और उधर जाएगा टू तो नाइन माइनस टू कितना आ गया सेवन आ गया तो सेवन लैमडा कैपिटल डी बाय टू डी आ जाएगा सेवन से सेवन कैंसिल आउट हो गया हमसे लैमडा की वैल्यू यहाँ पे पूछी है तो वो हमें फाइंड आउट करनी है तो कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर फिफ्टी सेंटीमीटर है तो फिफ्टी सेंटीमीटर 15 टू टेंट माइनस टू ठीक है बाई टू और लैमडा की वैल्यू कितनी, कितनी है स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है स्लिट सेपरेशन जीरो पॉइंट वन फाइव एम एम तो जीरो पॉइंट वन फाइव एम एम मतलब टेंट टू माइनस थ्री ये आ गया हमारे पास ठीक है अब इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं अपन तो यहाँ से आप चाहो तो इसको कट कर लो ये माइनस वन बच गया ठीक है एंड देन फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए लैमडा बराबर कितना आ गया देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो पॉइंट थ्री फिफ्टीन इंटू जीरो पॉइंट थ्री तो हो जाएगा इंटू में टेंटी पावर माइनस फोर हो गया ठीक है ये वाला पार्ट इससे सॉल्व हो जाएगा तो टेंटी पावर माइनस फोर एंड डिवाइड में कितना आ गया फिफ्टी आ गया है ना एंड देन फर्दर आप क्या कर सकते हैं इसमें जीरो को आप ऊपर ले जाइए तो फाइव आ गया माइनस का जीरो पॉइंट थ्री है ये भी ले जाओ तो ये सिक्स आ जाएगा थ्री बाई फाइव की बात करें तो एक और लिख दो इसको तो ये सेवन कर सकते हो आप इसको तो थर्टी आ जाएगा तो ये सिक्स सिक्स इंटू टेंट दी पावर माइनस सेवन तो सिक्स इंटू टेंट पावर माइनस सेवन की बात करें तो ये सिक्स हंड्रेड हो जाएगा है ना सिक्स हंड्रेड तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा है कि नहीं तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है कि थर्ड मैक्सिमा है ना सेवंथ मिनिमा इनके बीच का सेपरेशन दे रखा हो लैमडा की वैल्यू पूछ ले कैपिटल डी की वैल्यू पूछ ले स्मॉल डी पूछ ले तो कुछ भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड तो ज़्यादा टफ नहीं है सिंपल से क्वेश्चन नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इन यंग्स डबल सिट इंटरफ्रेंस एक्सपेरिमेंट इफ द सिट सेपरेशन इज मेड थ्री फोल्ड्स ओके द फ्रिंज विथ बिकम्स तो अगर आपने डी को है ना डी को अगर आपने चेंज किया राइट किस रेशो में चेंज किया देखिए और फ्रिंज जो है बीटा की वैल्यू आप जानते हैं फ्रेंज कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है, है ना ठीक है तो अगर आप डी को चेंज करोगे डी को अगर आप इंक्रीज करोगे तो सीधी सी बात है बीटा डिक्रीज हो गया ठीक है तो अगर जो स्लिट सेपरेशन है स्मॉल डी उसको थ्री फोल्ड से अगर आपने चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली बीटा जो है वन बाय थ्री फोल्ड से चेंज हो जाएगा है ना 1/3 4 से चेंज हो जाएगा तो सिंपल सी चीज है ये तो तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पे चलते हैं द डिस्टेंस ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द n+1 डार्क फ्रिंज इन वाई डीएससी इज इक्वल टू ओके तो n+1 वाली जो डार्क फ्रिंज है ना उस डार्क फ्रिंज से एनथ ब्राइट फ्रिंज जो है उसकी डिस्टेंस पूछी इसका मतलब सीधी सी बात है सेपरेशन पूछा आपसे तो आप ये बताइए एन एथ ब्राइट फ्रिंज के लिए वाई लोकेशन वाई वाई डिस्टेंस क्या होगी वाई हो जाएगी एन लेमडा डी बाई स्मॉल डी और इसमें से घटाना है सब करना है एन प्लस वन वाली डार्क फ्रिंज क्या आएगी एन प्लस वन वाली डार्क फ्रिंज आएगी टू इन टू एन की जगह क्या रखना है एन प्लस वन माइनस वन है ना लेमडा डी बाय टू डी बस ये वैल्यू रखनी है आपको यहां पर तो यहां से देखिए लेमडा डी बाय स्मोल डी जो है इसको आप बाहर ला सकते हो नहीं तो पहले एक बार सिंपल कर लेते हैं चलिए माइनस इसको ब्रैकेट ओपन करो तो 2n एन प्लस टू आएगा माइनस वन तो वन बचेगा तो 2n एन प्लस वन लैमडा डी बाय टू राइट इसमें लैमडा डी बाय स्मॉल डी बाहर आ जाएगा कॉमन ब्रैकेट में क्या आएगा देखो यहां पे आ गया एन माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2n एन प्लस वन बाय टू ना

ये सारे कुछ आपको दे रखें ईच ऑफ स्लीट इंडिविजुअली प्रोड्यूस सेम इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन टू पॉइंट ऑन द स्क्रीन हैविंग 75% इंटेंसिटी ऑफ द मैक्म इंटेंसिटीज क्या पूछा है इसके अंदर आपसे पूछा है कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताइए मिनिमम डिस्टेंस बताइए जिनकी जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का 75% है राइट right? देखिए आपको लैमडा कैपिटल डी स्मॉल डी सब कुछ गिवन है तो एक काम करते हैं सबसे बेस्ट हमारे लिए क्या रहेगा सेंट्रल फ्रिंज रहेगी ठीक है सेंट्रल फ्रिंज के लिए बेटा अगर आप इंटेंसिटी पैटर्न देखो कुछ इस टाइप से मिलता है राइट right? इस टाइप से इंटेंसिटी पैटर्न मिलता है अब यहां पर इंटेंसिटी सेम होती है मतलब मैक्सिमम होती है अगर मैं दोनों वेव के लिए इंटेंसिटी अगर आई नॉट आई नॉट कंसिडर करूं तो सेंट्रल मैगजिम की इंटेंसिटी कितनी होती है फोर आई नॉट होती है यहां पर इंटेंसिटी कितनी है फोर आई नॉट है ठीक है अब फोर आई नॉट का सेवेंटी फाइव परसेंट कहीं ना कहीं यहां पर आएगा ना देखिए यहां पर मिलेगा आपको कहीं ना कहीं यहां पर मिलेगा सेम नीचे भी यहां पे मिलेगा तो मिनिमम डिस्टेंस पूछिए तो ऑब्वियसली एक ही पीक पे आप दो पॉइंट लेकर मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो इजीली है कि नहीं है तो उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस यहां पर इजीली कैलकुलेट की जा सकती है तो ये वाली डिस्टेंस मुझे यहां पर कैलकुलेट करनी है फाइंड करनी है ठीक है तो 75% का मतलब क्या होगा तो फिर इस पॉइंट के लिए यहां पर जब वेव मिलेगी तो इस पॉइंट के लिए दोनों वेव्स के बीच में फेस डिफरेंस कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है तो इंटेंसिटी यहां पे कितनी हो ची? होनी चाहिए फोर नोट का थ सेवेंटी फाइव परसेंट थ्री फोर्थ हुआ थ्री फोर्थ मतलब थ्री आई नॉट हो जाएगा हो जाएगा ना थ्री आई नॉट और फॉर्मूला क्या लग जाएगा रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी वो आई बराबर फोर आई नॉट इन टू को स्क्वेयर डेल फाइव बाई टू हो जाएगा डेल फाइव बाई टू डेल फाइव यहां पे फेस डिफरेंस आएगा दोनों वेव के लिए इसको कट करेंगे थ्री बाय फोर रूट करोगे तो रूट थ्री बाय टू आ जाएगा राइट इज इक्वल टू कोस डेल फाइव बाई टू सो so, ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल कन्फर्म है सिक्स थर्टी डिग्री के बराबर होना चाहिए या ये कह सकते पाई बाई सिक्स के इक्वल होना चाहिए तभी तो यू थ्री बाई टू आएगा तो पाई डेल फाइव बाई टू पाई बाई सिक्स डेल फाई की वैल्यू कितनी आ गई डेल फाइव की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय थ्री तो फेज डिफरेंस पाई बाय थ्री के बराबर आना चाहिए इस पॉइंट के लिए तो जो फेज डिफरेंस पाई बाय थ्री है ठीक है तो उसके लिए पाथ डिफरेंस फिर कितना होना चाहिए इस पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं चलिए देखिए पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो आ जाएगा डेल फाई इज इक्वल टू टू पाई बाई लैमडा इन टू डेल्टा आर डेल्टा आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है एंड ये डेल्टा फाई इज पाई बाय थ्री पाई बाय थ्री रख दूंगा मैं पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ सो डेल्टा आर इज इक्वल टू लेमडा बाई सिक्स तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे लेमडा बाई सिक्स के इक्वल आ रहा है ठीक है पाथ डिफरेंस यहाँ पे कितना आया लेमडा बाई सिक्स के इक्वल ओके okay. और पार्थ डिफरेंस जो होता है वाई डी एस सी के अंदर डी साइन थीटा के इक्वल होता है

कैपिटल डी की बात करें कैपिटल डी वन मीटर वन रख दिया बाई सिक्स इंटू स्मॉल डी की बात करें तो वन एम mm है तो टू दी पावर माइनस थ्री इससे कटा टू दी पावर माइनस फोर बचा यहाँ पर और ये सिक्स से सिक्स कट गया तो टू दी पावर माइनस फोर मीटर टू दी पावर माइनस फोर मीटर का मतलब जीरो पॉइंट वन है ना टू दी पावर माइनस फोर मीटर का मतलब जीरो पॉइंट वन मिलीमीटर तो जीरो पॉइंट वन मिलीमीटर mm ये डिस्टेंस है तो यहाँ पर भी नीचे भी मिलेगा तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी जीरो पॉइंट वन प्लस जीरो पॉइंट वन मतलब जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू मिलीमीटर तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा फोर्थ हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ए सिंगल स्लीट ऑफ विथ इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड डिफ्रेक्शन बैंड आर ऑब्जर्व ऑन स्क्रीन टू हंड्रेड सेंटीमीटर अवे इफ द सेकेंड डार्क बैंड इज वन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड

यस ठीक है और डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करें तो सिंगल स्लिट से स्क्रीन पे अगर हमें मिनिमम मिल रहा है यहाँ पे ठीक है थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो थीटा को लिख सकता हूँ वाई बाय कैपिटल डी वाई डिस्टेंस कहां से सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस है तो थीटा को लिखा जा सकता है वाई बाय कैपिटल डी सो ए वाई बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू टू लेमडा सो वी हैव सो वी हैव वाई इज इक्वल टू टू लैमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर तो देखिए टू इंटू लैमडा की वैल्यू कितनी है लेमडा है हमारे पास आ, अच्छा लैमडा हमें फाइंड आउट करना है ओके द वेवलेंथ फाइंड आउट करना है तो लैमडा चलिए लेमडा रहने देते हैं कैपिटल डी कितना टू हंड्रेड सेंटीमीटर तो टू हंड्रेड सेंटीमीटर तो टू मीटर हो गया अपोन में स्मॉल ए स्मॉल ए कितना है जीरो पॉइंट फोर्टीन एम एम मिलीमीटर सो जीरो पॉइंट फोर्टीन टेन टू दावर माइनस थ्री ये आ गया ये और वाई कितना दे रखा है आपन को वाई दे रखा वन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर तो बराबर में वन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर कर दीजिए मतलब टू दीपा पावर माइनस टू कर दीजिए ठीक है तो यहाँ से अब आपको सॉल्व करना है थोड़ा सा आ, ये पॉइंट अगर हटा दें तो माइनस फाइव आ जाएगा यहाँ पर ठीक है और ये माइनस फाइव लेमडा चाहिए तो माइनस फाइव इधर ले जाइए माइनस सेवन हो जाएगा इसके साथ मीट करके और ये यहाँ से इसको कट कर दीजिए सेवन आ गया देन इसको भी कट कर दें इससे पॉइंट एट आ गया इज़ so, तो कितना पावर माइनस सेवन मीटर में तो वेवलेंथ फाइव पॉइंट सिक्स इन ट्वेंटी पॉवर माइनस सेवन मीटर हो गया अगर आप इसको एंगस्ट्रोम में लिखो तो सीधी सी बात है 10 द पावर टेन से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 दावर थ्री आ जाएगा एंड देन पॉइंट सिक्स इन थ्री हो जाएगा फिफ्टी सिक्स हंड्रेड फिफ्टी सिक्स हंड्रेड एंगस्ट्रोम तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा बेटा तो ये था आपका वे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ठीक है आई थिंक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और बाकी आ, जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे वो सारे इस चैप्टर से रिलेटेड थे ठीक है हर कॉन्सेप्ट को डीपली कवर किया गया है आप इस वीडियो को अच्छे से देखें तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ठीक है ओके थैंक okay? यू uh,